सर्वांना नमस्कार। आज स्वातंत्र्य दिन, स्वातंत्र्य दिनानिमित्त महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीनं आपणा सर्वांना हार्दिक सदिच्छा। आपल्या सर्वांचं आजच्या या कार्यक्रमामध्ये मनपूर्वक स्वागत। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर विचार जागर सप्ताहाच्या अंतर्गत गेले 7 दिवस हे कार्यक्रम सुरू राहणार आहेत। आजचा हा दुसरा दिवस आहे। यामध्ये हिंसा के खिलाफ मानवता की ओर या अभियानांतर्गत आज हरियाणा सिरसा येथील ज्येष्ठ तरुण कार्यकर्ते आणि धाडसी कार्यकर्ते अनिशूल छत्रपतीजी यांची मुलाखत होणार आहे। तर या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मी स्वागत करतो। आणि आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण संत तुकारामांचा अभंग ऐसे कैसे झाले बंधू हा अभंग गाऊन करणार आहोत। मी आमचे अनिचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते सुनील स्वामी सर इचलकरंजी यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात अभंग गायनाने करावी। स्वामी सर। हॅलो, अमोल आवाज येतो? जी सर। ओके, नमस्कार सगळ्यांना। ऐसे कैसे झाले बंधू, ऐसे कैसे झाले बंधू, ऐसे कैसे झाले बंधू। कर्म करोनी कर्म करोनी कर्म करोनी कर्म करोनी मनती सारू कैसे झाले बोलू, ऐसे कैसे झाले बोलू, ऐसे कैसे झाले चलो तया
कर्म करोनी मन की साधु कर्म करोनी मन की साधु कैसे जाने भू। थैंक यू स्वामी सर, अत्यंत सुंदर आपण तुकारामांचा हा अभंग गायलात. आजच्या कार्यक्रमाचा जो विषय आहे तो अंशुल छत्रपती यांची मुलाखत आहे, आणि ही मुलाखत घेण्याचं मुख्य कारण म्हणजे त्यांनी गेली 17 वर्ष अत्यंत निर्भीडपणे एका मोठ्या बाबाच्या विरोधात लढाई कोर्टामध्ये लढलेली आहे. तो बाबा म्हणजे गुरमीत राम रहीम सिंग. हाच ऐसे कैसे बोंदू हा अभंग गुरमीत राम रहीम सिंगाच्या कर्तृत्वाला बरोबर लागू होतो, म्हणून आपण हा अभंग घेतला. अत्यंत सुंदर आवाजात स्वामी सरांनी म्हटला, त्याबद्दल मी त्यांचं मनपूर्वक आभारी आहे. यानंतर आपल्याला सिरसाहून जॉईन झालेत कुलदीप सिंग. ते एक पाखंडी बाबा के खिलाफ पंजाबी गाणं आहे, ते गाणं म्हणतील. मी कुलदीप सर नमस्ते, आपका स्वागत है. आपसे हम गिनती करते हैं कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत आपके गाने से हो. कृपया आप पंजाबी में ये पाखंडवाद के खिलाफ जो गाना है वो आप गाइए. कुलदीप सर आपका वीडियो और ऑडियो ऑन कीजिए. आवाज आ रही सर? हम हाँ आ रही है सर. ठीक है सर, टू द पॉइंट मैं कुछ पंजाबी बोलियां सुनाउन लगे जी. मैं नी बाबड़ा डेरे जाना हुण ना आखी मैनू, मैं नी बाबड़ा डेरे जाना हुण ना आखी मैनू, वे मैं नी कोई सेवा करनी सच दस दियां तैनू, बाबे की कारे कर दे बाबे की कारे कर दे ਘਟਾ ਪਾ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ, ਪੜ ਲੈ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ, ਪੜ ਲੈ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ. ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਫੇਰੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਈ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਫੇਰੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਈ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੋਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਕਦੇ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਕਦੇ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ. ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਟੱਬਰ ਤੇਰਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਈ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਸੌਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਬੇ ਦਾ. ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਰਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਲਮ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਾਈ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਭੱਜ ਖੋਲੇ, ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਤੀ ਭਰਨਾ ਡੋਲੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ. ਉਹ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹਲੇ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਹੈ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰ ਸੋਚ ਹਾਲੇ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਤਿੱਖੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਪਗੜੀ ਨਾ ਟੋਪ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮਿੱਤਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮਿੱਤਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮਿੱਤਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਂਦਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਲੜਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੈਂਦਾ ਡਾਂਗਾਂ ਭੁਲਕਦੀਆਂ ਮੌਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੈਂਦਾ ਡਾਂਗਾਂ ਭੁਲਕਦੀਆਂ ਮੌਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੈਂਦਾ ਡਾਂਗਾਂ ਭੁਲਕਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਥੀਓ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ थैंक यू कुलदीप सिंह जी बहुत अच्छा गाना आपने गाया हमको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आया वो बाबाओं के खिलाफ था और वो अपने भगत सिंह के विचार तक उसको जोड़ा वो बहुत अच्छा लगा मराठी हमारे सब जो श्रोता है उनको भी वो बहुत अच्छा लगा थैंक यू अब हम हमारी कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं ये मराठी अभंग और पंजाबी गाना के बाद मैं महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सक्रिय कार्यकर्ता डॉक्टर हमीद दाभोलकर जी को गिनती करता हूं कि आज की प्रोग्राम का वो प्रास्ताविक करे और स्वागत करे डॉक्टर हमीद दाभोलकर जी अमोल काय झालं रे डॉक्टर लेफ्ट झालेत का फोन नाही आहेत बहुतेक डॉक्टर त्यांना को होस्ट कर को होस्ट गेल हे झाले जॉईन झाले ते पण को होस्ट नसल्यामुळे त्यांना बोलता येत नाही अमोल को होस्ट कर हॅलो अमोल हो बघतोय सर एकच मिनिट ओके सर अनम्यूट करा अमित सर डॉक्टर हमीद दाभोलकर आज के प्रोग्राम का प्रास्ताविक और स्वागत करेंगे मैं गिनती करता हूँ डॉक्टर हमीद दाभोलकर जी से नमस्ते आवाज येतोय माझा हो येतो डॉक्टर ओके तो हमारे प्यारे दोस्त और साथी अंशुल छत्रपति राहुल थोरात महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति के सभी कार्यकर्ता जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ प्रोग्राम में बहुत कम बार ऐसा होता है कि ऐसे प्रोग्राम में हमें शामिल होने का मौका मिलता है जहां जिस चीज के बारे में जिस मूल्यों के बारे में हम बात करते हैं वो विचार एक्चुअल जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों से मुलाकात करने का मौका हमें मिलता है और मुझे बहुत संतोष है हमें बहुत प्रिविलेज लग रहा है अंशुल जी के आज आप हम सब लोगों के साथ जुड़े हैं इस प्रोग्राम में और हम सब लोग ये जानते हैं कि अपने अपने करीबी लोगों को खोना हिंसा से उसका दर्द क्या होता है जब बाकी का समाज और न्याय व्यवस्था और पुलिस इस दौर में हमारा साथ देने के बजाय मुंह फेर लेती है तो कैसे लगता है
और वो लड़ाई लड़ना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। ये अंधविश्वास उन्मूलन समिति का हर कार्यकर्ता जानता है कि ये कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि इस 20 तारीख को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का शहादत दिन है, 8 साल हो गए उनकी हत्या को, और अभी उनके सस्पेक्टेड किलर पकड़े गए हैं, लेकिन उसके पीछे के जो मास्टरमाइंड है वो पकड़े नहीं गए। लेकिन हम जब आपसे मिलते हैं, आपके बारे में सुनते हैं, तो हमें ये विश्वास मन में पैदा होता है कि 8 साल आपने तो 17 साल लड़ाई बिना संगठन के अकेले, और वो भी राम रहीम जैसे एक बहुत बड़े शख्स के खिलाफ, कि जिसे कन्विक्शन का ऑर्डर करने पहले 1 लाख लोग सिरसा में जमा हुए थे और आर्मी को बुलाना पड़ा था, कोर्ट जजमेंट देने के लिए कंसर्न था कि वॉयलेंस हो या ना हो। तो मुझे लगता है कि ऐसी ताकत के खिलाफ आप खड़े रहे, और आपने ये बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि ये जंग लड़ना ही जीतना होता है, लेकिन सिर्फ आप लड़े नहीं, आप जीते भी। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ आए हैं, हमें बहुत हौसलाफजाई हो रही है, बहुत संतोष हो रहा है कि आपने हमारा ये निमंत्रण स्वीकार किया और आप यहाँ आए। यहाँ आज इस कार्यक्रम के दौरान मैं आपके पिताजी का भी स्मरण करना चाहता हूँ, रामचंद्र जी का, कि जिन्होंने 18-19 साल पहले जब कोई तैयार नहीं था राम रहीम के बारे में अखबार में न्यूज छापने के लिए, उन्होंने अपने अखबार में न्यूज छापी और वहां से ये सारी चीजें शुरू हो गई जो राम रहीम के कन्विक्शन तक पहुंची। तो हमारे अंधविश्वास उन्मूलन समिति में हम जो प्रमुख मूल्य मानते हैं उसमें निर्भयता, क्योंकि विज्ञान और नीति के रास्ते पे बिना निर्भयता के आप नहीं चल सकते, तो ये निर्भयता का जो पाठ रामचंद्र जी ने दिया है हमें, तो आजकल के जमाने में राम के नाम पे बहुत सारी चीजें की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सत्य वचन और निर्भयता का पाठ रामचंद्र जी ने हमें दिया है वो आने वाले बहुत सारे जनरेशन के लिए मुझे लगता है कि उस पाठ पे वो चलना पसंद करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और एक बात मैं इस आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और पंजाब हरियाणा का एक बहुत उनकी क्रांतिकारी परंपराओं का एक बहुत पुराना नाता है जो संत परंपराओं से आगे चलता आया है। भगत सिंह के बारे में अभी जिक्र हुआ, और ये जो विज्ञानवादी परंपरा है और निर्भयता की परंपरा है, समाज में बदलाव के लिए खुद का सैक्रिफाइस करने की परंपरा है, वो परंपरा महाराष्ट्र और पंजाब हरियाणा में एक दूसरे के साथ जोड़ती हुई परंपरा रही है। और मुझे लगता है कि अंशुल छत्रपति उसी परंपरा का एक पार्ट है जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति अपनी ताकत के साथ जितना हो सके इस परंपरा में शरीक होने की कोशिश करती है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता हम आपसे सुने, आपसे सीखे। जब से इस 8 साल के दौर में ये अलग अलग लड़ाइयां लड़ी है हमने, एक साइड पे वो जो मर्डरर होते हैं उनको करने के लिए पुलिस के साथ काम करना, दूसरे साइड पे जो न्यायिक लड़ाई होती है लीगल वो लड़ना, तीसरे साइड पे ये जो काम है वो काम चलते है इसके लिए जटे रहना, और सब चीजों के साथ जो सभी पोटेंशियल डेंजर्स आते हैं, लाइफ डेंजर्स आते हैं, उनका भी सामना करना, तो ये आप सब ने किया है। फिर भी हम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, हमारे साथ महाराष्ट्र के बहुत जिलों से कार्यकर्ता जुड़े हैं, आपने ये अकेले किया, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। हम सब लोग आपना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, तो
हमारे महाराष्ट्र में जब छत्रपति का जिक्र किया जाता है तो शिवाजी महाराज की याद आती है जो हमेशा निर्भयता के प्रतीक रहे हैं, और आप इस प्रोग्राम में आए और उसी निर्भयता के बारे में आप अपनी बात रख रहे हैं। हिंसा के खिलाफ मानवता के ओर, ये हमारे अभियान का नाम है। और जब हमारे ये ध्यान में आया संगठन के कि ये जो लड़ाई है जिसमें ये हिंसा करने वाले हैं उनको खत्म करके ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती, लड़ाई और वो लड़ाई लड़ने के लिए उनके हथियार हम नहीं यूज कर सकते, हम उनके खिलाफ जो हथियार यूज करेंगे वो संविधानिक होने चाहिए, का प्रतिवाद हम हिंसा से नहीं करना चाहते। और वही आपने किया है, आपने हिंसा नहीं की, जो संविधान ने हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हैं, लीगल ऑप्शंस है, पुलिस के ऑप्शंस है, प्रोटेस्ट के ऑप्शंस है, वो सभी ऑप्शंस आपने यूज किए, और इसलिए हमें आपकी लड़ाई के बारे में और रिस्पेक्ट लगता है। तो इतना कह के मैं अपनी बात रखूंगा कि हमें बहुत संतोष है कि आप आए इस प्रोग्राम में, और आगे चल के ये जो सिलसिला चला है महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा के प्रगतिशील संगठनों में एक दूसरे से सीखने का, बात करने का, वो आगे चल के भी चला रहेगा और बुलंद होगा, ये अपेक्षा के साथ मैं मेरी बात रखता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अमित दाभोलकर जी। धन्यवाद अमित। आजच्या या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक आणि स्वागत केल्याबद्दल मी अमोलला विनंती करतो की पंजाबचे प्रसिद्ध लोकगायक जगसिर चड्डा जॉईन झालेले आहेत, त्यांना कृपया को होस्ट करावं। आहेत आहेत जगसिर चड्डा केले को होस्ट। जगसिर जी आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जगसिर जी पहिल्यांदा गाणं म्हणणार होते पण ते उपलब्ध नसल्यामुळे आपण कुलदीप सरांचं गाणं घेतलं, पण आता आता आलेले आहेत जड्डा सर। आप हमारे प्रोग्राम में आपको हम गिनती करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में पंजाबी गाना गाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी आप सबका के तुम्हें छत्रपति जी को याद किया है। मैं अपनी तरफ से उनको सलूट करता हूं जो उन्होंने कुर्बानी दी है, एक अजिहे साम्राज के खिलाफ उन्होंने जहाद लड़ा है, उसको सलूट करता हूं अपनी दिल दिया गहराइया से। सो मैं एक पंजाबी होने के नाते, एक तर्कशील होने के नाते मैं उन्होंने सलाम करता पाया अपने वालों, उन्होंने तर्कशील बोलियां के राही अपनी श्रद्धा से फुल भेट करना है। तो जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है वह उन्होंने काज न उन्होंने जो रेंदे काज नूं पूरा करने वास्ते जिहड़े तरक्षी लोग ने, संजीदा लोग ने, लोक पक्षी लोग ने, वह उन्हां दी कुरबानी नूं हमेशा ही याद रखणगे, सजदा करनगे। लो पेश कर लग्गा मैं कुछ बोलियां जो अंधविश्वासां दे खिलाफ, बाबां दे खिलाफ, साडी तरक्षी लहर दी तरक्षी लहर दी प्रतिनिधता करदियां ने। पेश कर लग्गा मैं कुछ बोलियां। नेरा बालांगे हनेरे आंदी हिक ते, नेरा बालांगे नेरा दीवा बालांगे हनेरे आंदी हिक ते, दीवा बालांगे हनेरे आंदी हिक ते, वो चकड़ा तू झूलदा रही, वो चकड़ा तू झूलदा रही, हो सानू आख देने राम नाम लुट लो, सानू आख देने, सानू आख देने राम नाम लुट लो, ते आप बाबे मौजा लुट दे, ते आप बाबे मौजा लुट दे, हो देखी संगत वेच दी वोटा, देखी संगत, देखी संगत वेच दी वोटा, वो संगता नू बाबे वेच गए, वो संगता नू बाबे वेच गए, हो साडे डेरे दा डरैवर बाबा, साडे डेरे दा डरैवर
ਬਾਬਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵੰਡੇ ਝੰਡੀਆਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵੰਡੇ ਝੰਡੀਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਰਹਾਂ ਦਾ ਖੋਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਰਹਾਂ ਦਾ ਖੋਜੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਬੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਰੇਕਾਂ ਫੁੱਲ ਰੱਖਦੇ ਬਾਬੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਰੇਕਾਂ ਫੁੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਬੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਡੋਰੀਆਂ ਉਹ ਰਾਬੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਡੋਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਟੀਂਡਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਟੀਂਡਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਣਾ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਜੇ ਚੰਗਾ ਨੱਪ ਲਿਆ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਓਏ ਕੱਚੀਆਂ ਮਰੋੜੇ ਗੰਦਲਾਂ ਨੇਰੀ ਚੱਲ ਪੀ ਗਲੀ ਚ ਜਗਰਾਤਾ ਓਏ ਤੰਬੂ ਪੁੱਟੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਆਓ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ ਓਏ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਟੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਦਿਰ ਚੋਰੀ ਉਹ ਸੰਕਟ ਮੋਚਣ ਦਾ ਆਓ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਲੂਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਗਸੀਰ ਸਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਾ ਸ਼ੋਭਾ ਬੜਾਇਆ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਧਸ਼ਰਧਾ ਨਿਰਮੂਲਨ ਸਮਿਤੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਆਪਕਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਸੇ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਮਧਿਲ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਲਿਆ ਯਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਸਾਠੀ ਵੇਲ ਦਿਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸਾਤ ਅਸਤਾਨਾ ਸੁਧਾ ਥਾਂਬੂਨ ਆਪਲਿਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਸਾਠੀ ਜੋਇਨ ਝਾਲੇ ਤ੍ਯਾਬੱਦਲ ਮੀ ਤ੍ਯਾਂਚਾ ਮਨਪੂਰਵਕ ਆਭਾਰ ਮਾਨਤੋ ਯਾਨੰਤਰ ਆਪਣ ਜ੍ਯਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਚੀ ਉਤਸੁਕਤੇਨ ਵਾਟ ਪਾਹਤ ਆਹਾਤ ਤੋ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਲਾ ਆਤਾ ਆਪਣ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਤੋਏ ਮੀ ਅੱਜਚ੍ਯਾ ਯਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਮਧ್ਯੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤ੍ਰਪਤੀ ਯਾਂਚਾ ਮਨਪੂਰਵਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਧਸ਼ਰਧਾ ਨਿਰਮੂਲਨ ਸਮਿਤੀਚ੍ਯਾ ਵਤੀਨ ਦੇਸ਼ਾਤੀਲ ਬੁਆ ਬਾਜੀਚਾ ਪਹਿਲਾ ਬਹੀ ਅਸਲੇਲਾ ਸੰਪਾਦਕ ਅਸਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਟਲ ਜਾਤਾ ਤੇ ਮਨਜੇ ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਛਤ੍ਰਪਤੀ ਬੁਆ ਬਾਜੀ ਨਾ ਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਪਾਦਕ ਬਹੀ ਘੇਟਲਾ ਤੇਚੇ ਹੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆਹੇਤ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤ੍ਰਪਤੀ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਮਨੁਨ ਗਾਂਵ ਆਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮਧ੍ਯ ਤਿਥ ਤੇ ਰਾਹਤਾਤ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਰਭਯਪਣੇ ਆਣਿ ਨਿਡਰਪਣੇ ਤ੍ਯਾਨੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਬਾਚ੍ਯਾ ਵਿਰੋਧਾਤ ਗੇਲੀ 17-18 ਵਰ੍ಷ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲੜਵਲੀ ਆਣਿ ਤ੍ਯਾ ਬਾਬਾਲਾ ਉਮ੍ਰ ਕੈਦਚੀ ਸਜਾ ਲਾਗਲੀ ਅਸੇ ਹੇ ਨਿਰਭੀੜ ਵਿਅਕਤੀਮਤ੍ਵ ਤਰੁਣ ਕਾਰਜਕਰਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲਜੀ ਅੱਜ ਆਪਲਿਆ ਸੋਬਤ ਆਹੇਤ ਮੀ ਤ੍ਯਾਂਚਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤੋ आता हितून पुढे जी कार्यक्रमाची रूपरेषा असेल ती हिंदी मधून प्रश्न विचारले जातील आणि अंशुल जी हिंदी मधूनच आपल्याला या प्रश्नांची उत्तरे देतील तर आपण
आजच्या या मुलाखतीची सुरुवात करतोय. नमस्ते अंशुल जी. नमस्कार राहुल जी. हाँ, मेरा आवाज आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया. हाँ, आपका स्वागत है. धन्यवाद. आज के प्रोग्राम में पहला प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूँ आपके फादर साहब के बारे में. हमको थोड़ा जानना है कि हमारे महाराष्ट्र के जो प्रेक्षक है उनको आप बता दीजिए आपके फादर साहब की पर्सनैलिटी क्या थी, वो क्या करते थे. सबसे पहले तो मैं आप डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी को नमन, उनके याद में जो ये कार्यक्रम रखा गया है तो उनकी शहादत मैं समझता हूँ कि वो बेकार नहीं जाएगी. आप सभी उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और मेरा ये मानना है कि जिस कॉज के लिए उन्होंने काम किया और जिन लोगों ने उनकी हत्या की तो उनकी कुर्बानी जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी. मेरा उनको नमन. और आज के इस कार्यक्रम में कुलदीप जी ने, जगसीर जीदा जी ने और सुनील स्वामी जी ने जिस तरह से अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छी उन्होंने एक जो बाबावाद पर जिस तरह से कटाक्ष करते हुए जो गीत पेश किए वो बहुत अच्छा लगा. जो आपने पूछा अब मेरे से कि मैं अपने पिताजी के बारे में बताऊं, तो मेरे पिता श्री रामचंद्र छत्रपति जो एक साधारण इंसान थे, एक साधारण फैमिली परिवार से वो बिलोंग करते थे. हमारा जो परिवार है, मेरे जो पैतृक परिवार है, मेरे जो दादा थे, वो जो अब पाकिस्तान बन गया वहाँ से विस्थापित होकर आए थे सन 1947 में. और आज क्योंकि हमारा स्वतंत्रता दिवस है और मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की भी बधाई देता हूँ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ. लेकिन ये बात अलग है कि जिस स्वतंत्रता के लिए हमारे शहीदों ने जिस स्वतंत्रता की कल्पना की थी, हमारा देश अभी उसके बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब नहीं है. गोरे अंग्रेज चले गए और काले आकर बैठ गए, जिस तरह की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो अभी भी जस की तस है. लोग व्यवस्था से परेशान हैं. और जो मैं बता रहा था कि हमारा परिवार जो है सन 1947 में जो अब एरिया पाकिस्तान का पंजाब, वहाँ से विस्थापित होकर पंजाब के अंदर आया. मेरे पिता का जन्म पंजाब के रानीवाला गांव में हुआ सन 1950 में. और उसके बाद जो अलॉटमेंट हुई हमें सिरसा के अंदर दड़बी गांव के अंदर, तो परिवार जो है यहाँ बस गया आकर हरियाणा के अंदर जो अभी सिरसा शहर के अंदर. और यहाँ मेरे दादा जो हैं वो एक साधारण किसान थे. जो उनको ज़मीन पाकिस्तान में जो चली गई उसके बदले जो ज़मीन मिली उस ज़मीन पर वो खेती करते थे और एक किसान परिवार से संबंध रखते थे मेरे पिता. हालांकि अपनी एजुकेशन जो है गांव के अंदर जो हुई, उसके बाद वो हिसार पढ़ने के लिए चले गए. दयानंद कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया. तो एक साधारण किसान के घर जन्मे पले बड़े, लेकिन विचार साधारण नहीं थे. विचार हमेशा से उनके लेखनी स्कूल कॉलेज टाइम से उन्होंने, उनका जो लिखने का जज्बा था उसके अंदर और उनका जो एक लीड करने का जज्बा था, लोगों को, लोगों का नेतृत्व करने का जो उनके अंदर एक जज्बा था, वो कॉलेज के स्कूल के टाइम से ही उनके अंदर था. जिसको देखते हुए जो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मेरे पिता के नाम के आगे रामचंद्र छत्रपति क्यों लगा. जैसा कि महाराष्ट्र के लोगों को तो पता है शिवाजी छत्रपति महाराज और उनकी शोभा के बारे में और उनके किस्सों के बारे में, उनकी नेतृत्व क्षमता के बारे में, उनकी निर्भयता के बारे में,
और इसी निर्भयता को देखते हुए जब कॉलेज समय में उनके एक प्रोफेसर ने कहा था मेरे पिता को कि तुम्हारे अंदर शिवाजी छत्रपति की तरह निर्भयता और नेतृत्व की क्षमता है, उससे पहले मेरे पिता अपने नाम के आगे रामचंद्र संधा लिखते थे और उसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे रामचंद्र छत्रपति लगाना शुरू किया और तभी से वो छत्रपति हो गए। और लेखनी का जज्बा धीरे 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 उनके अंदर स्कूल कॉलेज टाइम से ही उन्होंने आर्य समाज को ज्वाइन किया, तब स्वामी अग्निवेश स्वामी इंद्रवेश के संपर्क में आए और आर्य समाज की नीतियों से कुछ प्रभावित हुए और उन्होंने आर्य समाज का झंडा उठाया और आर्य समाज की जो युवा विंग थी उसके अंदर काम करना शुरू किया कॉलेज समय के अंदर। और धीरे धीरे वो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद दिल्ली चले गए, स्वामी अग्निवेश के सानिध्य में उन्होंने काम किया दिल्ली के अंदर, उनकी पत्रिका के अंदर जो लेखन का कार्य था वो देखते रहे। तदोपरांत उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की और लॉ की डिग्री हासिल करने से पहले वो सिरसा के अंदर उन्होंने कुछ समय प्रकाशन का कार्य किया, एक छापाखाना एक प्रेस जो है वो लगाई जिसके अंदर वो अपना एक छोटा सा अखबार भी छापते रहे और उसके अलावा वो प्रकाशन का काम भी पब्लिकेशन जो है वो भी करते थे। तो उसके बाद उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की और सिरसा के अंदर अपनी वकालत शुरू की, रेगुलर वकालत करते रहे कई सालों तक सिरसा के अंदर। और वकालत के पेशे को ज़्यादा मतलब वो उन्होंने अपने लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं माना और अल्टीमेटली वो करीब करीब सन 88-90 के बाद फिर से लेखनी से जुड़ गए, वकालत जो है उन्होंने बंद की और एक स्तंभकार के तौर पर उन्होंने अलग अलग अखबारों के अंदर लिखना शुरू किया। सिरसा के अंदर कुछ लोकल अखबारों के अंदर वो एक स्तंभ लेखन करते रहे और भी अलग अलग अखबारों से जुड़े रहे। जेवीजी टाइम्स दिल्ली से शुरू हुआ था, उसके कॉरेस्पोंडेंट रहे, हिंदुस्तान अखबार के भी कॉरेस्पोंडेंट रहे वो। और सन 2000 के अंदर उन्होंने अपना एक अखबार शुरू किया क्योंकि जो वो लिखना चाहते थे निडरता से अपने विचारों को जब वो लिखना चाहते थे, लेकिन बहुत बार उनकी लेखनी के ऊपर एडिटर की कैंची चलती थी जिस वजह से वो ज़्यादा खुश नहीं थे और उन्होंने एक अपना अखबार निकाला, पूरा सच उसका नाम रखा और उन्होंने अपने पहले ही अंक के अंदर 2 फरवरी 2000 को पहला अंक उन्होंने प्रकाशित किया। जब उस पहले अंक के अंदर उन्होंने एक शपथ ली थी, उसमें उन्होंने कहा था कि पूरा सच के अंदर हमेशा पूरा सच ही छपेगा और कभी भी अपने पत्रकारिता के धर्म से मैं समझौता नहीं करूंगा। और उनकी यही शपथ, उनकी यही जो जिद थी सच लिखने की और उनकी यही निडरता का जो जज्बा था आखिरकार उन्हें कुर्बानी की ओर ले गया। और एक इसी लेखनी के दौरान वो क्योंकि उस समय हरियाणा के अंदर चौटाला सरकार थी और इधर डेरा सच्चा सौदा जो सिरसा के अंदर जिसका एक मुख्यालय था, तो दो दो मोर्चों पर लगातार वो उन्होंने एक संघर्ष शुरू किया। चौटाला के गवर्नमेंट का उस टाइम में हरियाणा के अंदर पूरा एक दबदबा था, दबंगई थी और लोग दबी जुबान चौटाला के खिलाफ भी कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाते थे और जो बोलता था उसका अंजाम जो है वो सभी को पता है हरियाणा के अंदर कि क्या होता था। इसी तरह डेरा सच्चा सौदा का भी जो गढ़ है वो सिरसा के अंदर था और सिरसा में डेरा सच्चा सौदा का लगातार आतंक बढ़ रहा था। जहां एक और डेरा सच्चा सौदा की फॉलोइंग बढ़ रही थी, उनके फॉलोअर बढ़ रहे थे, साथ साथ उनका आतंक भी बढ़ रहा था। उन्होंने आतंक के चलते यहाँ जमीनें हथियाई, लोगों को खदेड़ा और बहुत सारे जुल्म किए लोगों के ऊपर, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं जुटाता था। तो हमारे पिता ने
सन 2001 2002 के अंदर ये दो मोर्चे पैरेलल खोले, चौटाला सरकार और डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ, एक सरकार के खिलाफ, एक धार्मिक डेरे के खिलाफ, जो कहने को तो धार्मिक था लेकिन उसके अंदर सभी अधार्मिक कार्य हो रहे थे। इसी को लेकर हमारे पिता ने एक बीड़ा उठाया कि ऐसे डेरा को उखाड़ फेंकना चाहिए जिसके अंदर इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, और यही जज्बा जो है उनको आखिरकार शहादत की ओर ले गया। आपके पिताजी के बारे में सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा कि वो एक निडर पत्रकार थे और उन्होंने शपथ ली थी कि पूरा सच में पूरा सच ही छपेगा, और वो शपथ उन्होंने आखिर तक संभाल कर रखी। मैं ये सुनना चाहता हूं कि गुरमीत राम रहीम सिंह डेरा प्रमुख कैसे बना, क्योंकि आपके गांव में ही वो डेरे का देश का सेंट्रल का कार्यालय है, तो आपको वो सब पता होगा कि गुरमीत से वो डेरा प्रमुख कैसे बना, ये हमारे दर्शकों को भी आप बताइए। ये जो डेरा है इसकी स्थापना सन 1948 के अंदर हुई थी। सिरसा के बिल्कुल साथ लगता गांव है बेगू गांव। बेगू गांव के पास बिल्कुल एक छोटी सी कुटिया के तौर पर शुरू हुआ था 1948 के अंदर, जिसकी स्थापना मस्ताना बाबा थे एक, उन्होंने एक कुटिया बनाई और उस कुटिया से धीरे धीरे वो मस्ताना के बाद सतनाम सिंह ने गद्दी को संभाला, और वो कुटिया धीरे धीरे सतनाम सिंह के समय 70 एकड़ में फैल गई और एक डेरा का रूप उसने धारण कर लिया। उसके बाद सन 1990 के अंदर गुरमीत सिंह ने डेरा सच्चा सौदा की गद्दी हथियाई। मैं ये नहीं कहूँगा कि उस गद्दी पे गुरमीत सिंह को बैठाया गया, वो गद्दी गुरमीत सिंह ने हथियाई। यहाँ सिरसा के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज़ काफ़ी प्रचलित है, ये बात कि गुरमीत सिंह एक्चुअल में राजस्थान से बिलोंग करता है। गुरमीत राम रहीम जिसका नाम बाद में पड़ा, उसका असल में नाम गुरमीत सिंह है, जिसका गुरमीत सिंह का जन्म पंजाब के अंदर हुआ, अबोहर में उसकी ननिहाल है एक गांव के अंदर, और किकरखेड़ा गांव का नाम है, वहाँ गुरमीत सिंह का ननिहाल का गांव है, वहाँ उसका जन्म हुआ था। और जन्म के उसका जो पैतृक गांव है वो गंगानगर के पास, गंगानगर राजस्थान के गंगानगर जिला का गांव है, गुरुसर मोडिया उसका उसको कहा जाता है, तो वहाँ उसका पैतृक गांव है। तो गुरमीत सिंह के बारे में ये भी प्रचलित है कि पंजाब में जब उग्रवाद का दौर था तो एक गुरजंट सिंह राजस्थानी नामक एक आतंकवादी था जिसके साथ गुरमीत सिंह के संबंध थे, और उन्हीं संबंधों के चलते गुरमीत सिंह ने गन पॉइंट पर डेरा सच्चा सौदा की गद्दी हथियाई। तो बेसिकली गुरमीत सिंह जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो बड़ा परम संत था और बड़ा परम ज्ञानी था। एक्चुअल में वो नौवीं फेल आठवीं फेल व्यक्ति है, और उसने गन पॉइंट पर ये गद्दी हथियाई, और 1990 के अंदर जब वो डेरा में आकर बैठा तो डेरा सच्चा सौदा का स्वरूप जो है वो इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, लेकिन उसके बाद किस तरीके से गुरमीत सिंह ने यहाँ आतंक के दम पर, गन के दम पर अपनी साम्राज्य को बढ़ाया, फैलाया, ये सर्वविदित है। और इसी आतंक के कारण लोगों ने डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ मुंह खोलना बंद कर दिया था। जिस किसी ने मुंह खोला उसे या तो मरवा दिया गया या गायब कर दिया गया, और बहुत सारी तरह की घटनाएं घटित हुई जिसके बारे में कोई भी बाहर आकर, डेरा से बाहर आकर कोई भी नहीं बोल पाया क्योंकि उन्हें इतना आतंकित किया जाता था। तो ये 90 के बाद 70 एकड़ में फैला हुआ डेरा जो था वो हजारों एकड़ का हो गया, और इवन सिर्फ मैं सिरसा की बात कर रहा हूँ, मुख्यालय की बात कर रहा हूँ, अगर सिरसा, हरियाणा और पूरे देश के अंदर डेरा सच्चा सौदा की प्रॉपर्टी
को गिना जाए तो मुझे लगता है कि कोई हिसाब किताब नहीं होगा। हजारों एकड़ के अंदर उसकी अकूत संपत्ति उसने अर्जित की, और जबकि डेरा सच्चा सौदा बात बात पर इस बात का दम भरता है कि वो डोनेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये बार बार कहा जाता रहा कि डेरा सच्चा सौदा डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद इतनी अकूत संपत्ति कैसे हुई, हजारों एकड़ कैसे बने, ये आज तक मतलब जो है ये जांच का विषय है। किसी भी सरकार ने इस बात की जांच नहीं करवाई। बहुत से लोग पीड़ित थे जिन्होंने अपनी संपत्तियां गवाई, जिन्होंने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो गवाई, वो डेरा के आतंक के चलते उन्हें छोड़नी पड़ी, औने पौने दामों में बेचनी पड़ी, और अल्टीमेटली जो डेरा के साथ लगते गांव हैं वो धीरे 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 डेरा के अंदर उनकी संपत्ति जो है, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो शामिल होती गई। लोग डेरा के आतंक से आजीज आकर यहाँ से पलायन करते गए। तो इस तरह ये हजारों एकड़ का डेरा बन गया, और लोगों के अंदर किस तरह से डेरा ने अपनी पैठ बनाई वो एक बड़ा विषय है। क्योंकि यहाँ जो हरियाणा और पंजाब का जो पिछड़ा हुआ इलाका था, जहाँ एजुकेशन का ज़्यादा फैलाव नहीं हुआ, जहाँ लोगों के अंदर पिछड़ापन था, लोगों को अंधविश्वास के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा था, तो डेरा ने उन लोगों को पकड़ा, उनके अंदर धीरे धीरे अपना फैलाव किया, उनके अंदर अपनी एक पैठ बनाई, और वो लोग धीरे धीरे आकर डेरा के अंदर माथा टेकने लगे। उसमें एक बड़ा रीज़न कुछ ये भी था कि जैसा पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी बेल्ट है जो डेरा सच्चा सौदा के अंदर आने लगी, उसका रीज़न एक ये भी था कि पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले जो लोग हैं वहाँ भी गुरुद्वारों के अंदर एक जाति के नाम पर भेदभाव होने लगा, जिस वजह से एक जातीय समुदाय जो है वो धीरे धीरे उन्होंने डेरा की तरफ रुख किया। वो अनाइड थे सिख मेजोरिटी जो थी उनसे। तो ये कई सारे इस तरह के रीजंस थे जिसमें जिसकी वजह से डेरा सच्चा सौदा धीरे धीरे उन लोगों के अंदर अपनी पैठ बनाने लगा, अपना फैलाव करने लगा, और साथ ही साथ डेरा का जो आतंक है वो भी बढ़ता गया। डेरा के सामने मुंह खोलने वाले लोगों को कैसे मारा काटा गया, ये सारी घटनाएं भी होती रही। डेरा के अंदर जो बहुत पुराने साधु थे, जो मैनेजर थे एक, जिनका आज तक पता नहीं चला, वो मामला भी हाई कोर्ट के अंदर गया। फकीर चंद डेरा के मैनेजर हुआ करते थे पुराने, वो आज तक गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं चला। हाई कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए, लेकिन सीबीआई ने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि मामला सन 1991-92 का था और इन्वेस्टिगेशन 2010 में शुरू हुआ। करीब करीब 19-20 साल बीत चुके थे उस बात को। इस वजह से सीबीआई ने कहा कि हमारे सामने कोई भी सबूत नहीं है। तो इस तरह के और बहुत सारे मामले हैं जो कभी सामने ही नहीं आ पाए, या जिसको जिनको सामने आने ही नहीं दिया गया। बहुत सारे लोग पीड़ित थे, बहुत सारे लोग और थे जिन्होंने जिन्होंने आवाज जिनकी आवाज को दबा दिया गया। तो इस तरह से सन जैसा कि मैंने जमीनों को हथियाने का एक मामला आपको बताया, तो आस पड़ोस के गांवों के जो लोग थे उन्होंने बीच बीच में थोड़ी आवाज बुलंद की, पंचायतों की मार्फत एक समूह बना, और चौधरी बंसीलाल हमारे जब सीएम थे हरियाणा के, उनके सामने एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ये सन 1996-97 की बात कर रहा हूँ मैं। उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर उन गांवों के लोगों ने ये मांग की कि डेरा सच्चा सौदा जो है वो यहाँ अपनी आतंकित कर रहा है हम लोगों को, हमारी ज़मीनें हथिया रहा है, हमारे ऊपर किस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। तो ये सारी घटनाएं जो हैं उन्होंने अपने उस मांग पत्र में रखी, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ कि एक जांच खुली, लेकिन इन द मीन टाइम क्योंकि वो
उस समय बंसीलाल की सरकार अलायंस में थी, बीजेपी ने समर्थन वापस खींच लिया और सरकार गिर गई और वो जांच जो है वो वहीं की वहीं रह गई। हालांकि बंसीलाल ने ये कहा था कि मैं यहाँ कोई ऐसा जुल्मी जो है वो पनपने नहीं दूंगा, और उन्होंने कुछ कुछ इसके ऊपर एक चेक लगाया था डेरा सच्चा सौदा के ऊपर, लेकिन वो ज्यादा समय तक सरकार नहीं बनी रह सकी और अल्टीमेटली वो सरकार धराशायी हुई और वो मामले बीच के बीच रह गए, वो जांच बीच के बीच रह गई। उसके बाद और बहुत सारी घटनाएं डेरा के अंदर घटित होती रही, डेरा का साम्राज्य जो है वो बढ़ता चला गया और डेरा ने किस तरीके से लोगों को श्रद्धा के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर बेवकूफ बनाया, उनसे पैसा लूटा और अपनी अकूत संपत्ति जो है वो बढ़ाता चला गया। ये सारी घटनाएं एक अलग विषय है, कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया गया, कैसे डेरा ने आप किसानी के नाम पर एक लोगों को ये कहा कि यहाँ फ्री में आकर सेवा दान करें, श्रम दान करें, लोग श्रद्धा के नाम पर यहाँ अपना श्रम दान करने लगे, सेवा जिसको कहा जाता था, और उस सेवा के नाम पर सिर्फ उनको दो टाइम रोटी दी जाती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं, उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता था। और उस श्रम दान के बदले डेरा सच्चा सौदा ने कई सड़कों के ठेके भी लिए, कॉन्ट्रैक्ट लिए सड़क बनाने के, और सड़क के अंदर उस सेवा का इस्तेमाल किया, उन लोगों का इस्तेमाल किया जो श्रद्धालु यहाँ आते थे, जो फ्री में अपनी सेवा देते थे, और उस पैसे को उन्होंने अपनी संपत्ति बढ़ाने में, अपना एम्पायर बढ़ाने में इस्तेमाल किया। उसके बाद उन्होंने डेरा के अंदर फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की जो खेती करनी शुरू की, उन फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को भी उन्होंने अंधश्रद्धा के नाम पर उस कैसे वसूली की, वो भी एक बहुत बड़ा एक विषय है कि उन्होंने कहा कि बाबा जी आए हैं, ये बाबा जी ने अपने हाथ से ये फ्रूट तोड़े हैं, ये फल तोड़े हैं, ये सब्जियां बाबा जी ने अपने हाथ से तोड़ी हैं, और इस नाम पे वो जो अंध भक्त हुआ करते थे वो उन सब्जियों के, उन फलों के लाखों रुपए देकर जाया करते थे। तो इस तरह से करोड़ों रुपए की संपत्ति डेरा सच्चा सौदा अर्जित करता रहा अपने श्रद्धालुओं को बेवकूफ बनाकर। डेरे के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, डेरा कैसे बढ़ता गया और लोगों का श्रम चुरा कर वो श्रम का पैसा उन्होंने डेरे में डाल दिया, और पैसा जब डेरे में आया, बहुत पैसा, तो गुरमीत जी का वो पावर बढ़ गया और उस पावर का वो गलत इस्तेमाल करने लगा। वैसे एक वारदात घड़ी, डेरे में जो लड़कियां रहती थी उनके साथ यौन शोषण होने का मामला सामने आया, और वो एक लड़की की चिट्ठी बाहर आ गई, और वो चिट्ठी आपके पिताजी ने अपने अखबार में छप दी, तो उस चिट्ठी के बारे में और उस एविडेंस के बारे में आप जरा बताइए 2 मिनट में। ये मामला जो है, क्योंकि गुरमीत सिंह का धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ता जा रहा था, आतंक बढ़ता जा रहा था, पावर बढ़ती जा रही थी, राजनीति के अंदर उसका धीरे धीरे एक वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से उसको लगा कि उसके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, और उस डेरा के अंदर उसने एक जो जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना शुरू किया, डेरा के अंदर जिस तरीके से एम्पायर खड़ा किया गया, उसके अंदर स्कूल, कॉलेज और हर तरह का व्यापारिक संस्थान जो है वो बनाए, एक एसी मार्केट बना दी गई, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा दी गई, स्कूल कॉलेजेस खड़े कर दिए गए, स्टेडियम बना दिए गए। स्कूल कॉलेजेस के नाम पर डेरा के श्रद्धालुओं को ये कहा जाता था कि वो अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलवाएं, वो बाहर ना पढ़ाएं। धीरे धीरे लड़कियों का कॉलेज और स्कूल अलग से खड़ा कर दिया गया, जो लड़कियां साध्वियां बनने की इच्छुक थी उन्हें यहाँ भर्ती किया जाने लगा, माँ बाप को कहा जाने लगा कि आप अपनी बेटियों को ये यहाँ लाएं, जो बेटियां भ्रमित हो गई हैं, भटक रही हैं, उन्हें आप डेरा के अंदर साध्वी बनाएं। तो माँ बाप ने अपनी बच्चियों को डेरा के अंदर छोड़ दिया, और उन बच्चियों का किस तरीके से डेरा के अंदर यौन शोषण हुआ, ये एक बहुत ही विभत्स घटना थी।
बहुत ही शर्मनाक घटना थी। डेरा के अंदर डेरा प्रमुख जो है गुरमीत राम रहीम, वो किस तरीके से डेरा की स्कूल कॉलेज की बच्चियों का, डेरा की साध्वियों का यौन शोषण करता रहा, और जब वो चीख चीख कर अपने माँ बाप को ये बात बताती थी तो एक शर्मनाक बात यह है कि वो माँ बाप जो है वो अपनी बच्चियों पर विश्वास करने की बजाय अपने उस गुरु पर विश्वास कर रहे थे जो उनकी बच्चियों का यौन शोषण कर रहा था, उनका बलात्कार कर रहा था। तो जब इस तरह की घटनाएं घटित हुई, लोगों उन लड़कियों पर माँ बाप ने भी यकीन करना बंद कर दिया, उनका कोई सहारा नहीं रहा, उनका कोई बाहर निकलने का भी, कोई डेरा से बाहर निकलने का विकल्प नहीं रहा, वो एक कैद के अंदर रह रही थी। तभी एक चिट्ठी आई, एक गुमनाम चिट्ठी, जो उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम लिखी गई थी, और उसकी कॉपी जो है वो माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी प्रेषित की गई थी। तो वो चिट्ठी आई मई 2002 के अंदर। उस गुमनाम चिट्ठी के आने के बाद एक तहलका मचना स्वाभाविक था, क्योंकि वो चिट्ठी जो है वो धीरे धीरे बाहर आई, लीक हुई, मीडिया के हाथों लगी और लोगों के हाथों लगी और एक चर्चा का विषय बनती गई। लेकिन जब वो चिट्ठी लीक हुई, हमारे पिता के हाथ लगी, तो उन्होंने 30 मई 2002 को उस चिट्ठी के रिगार्डिंग एक अपने अखबार पूरा सच के अंदर एक अखबार पब्लिश की। उस चिट्ठी का विवरण मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उस चिट्ठी के अंदर उस साध्वी ने डेरा के अंदर हो रही घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा था। उसने लिखा था कि डेरा के अंदर जो भी साध्वियां रह रही हैं, ना वो विवाहित हैं ना वो कुंवारी हैं, उनकी जिंदगी इतनी जलालत भरी हो चुकी है कि वो डेरा से बाहर भी नहीं जा पा रही हैं, डेरा के अंदर उनकी जिंदगी इतनी भयानक हो चुकी है, और डेरा के बाहर उनके माँ बाप जो हैं वो उन पर यकीन नहीं कर रहे, तो वो ना जिंदा है ना मुर्दा है, उनकी जिंदगी बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है कि वो अपने खिलाफ हो रहे यौन शोषण के बारे में जब किसी से बोलती हैं तो डेरे के अंदर डेरे की जो पुरानी साध्वियां हैं, जो डेरे के साधु हैं, उनके द्वारा उनको मारा पीटा जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनको जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। बहुत सी साध्वियों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और उसके अंदर लिखा गया कि किस तरीके से एक साध्वी की मार मार कर पीट पिटाई करके उसकी कमर की हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और उसके बाद उसको बोलने लायक भी नहीं छोड़ा गया। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाओं का उस चिट्ठी के अंदर जिक्र था। उसके अंदर जिक्र था कि गुरमीत सिंह कैसे अपनी गुफा, गुफा शब्द का उसके अंदर इस्तेमाल किया गया। गुफा वो जगह थी जहां गुरमीत सिंह का, वो एक महल टाइप था लेकिन उसको गुफा नाम दिया गया था कि गुरमीत सिंह उस गुफा के अंदर रहता है, और रात को संतरी की ड्यूटी जो है वो भी साध्वियों की होती है, और एक जो मुख्य साध्वी है जिसकी ये ड्यूटी होती है कि रात को किस साध्वी को गुफा के अंदर भेजा जाएगा, और उसके बाद वो वहां गुफा के अंदर जाने वाली साध्वी या स्कूल की जो स्टूडेंट होती थी या कॉलेज की स्टूडेंट होती थी, उनको ये कहा जाता था कि आज पिताजी को पिताजी ने आपको बुलाया है। पिताजी गुरमीत राम रहीम को डेरा के अंदर कहा जाता था, वहां उसके भक्त जो थे वो गुरमीत राम रहीम को पिताजी कहकर संबोधित करते थे। तो वो जो साध्वियां होती थी, जो स्कूल कॉलेज की स्टूडेंट्स होती थी, वो बड़ी खुश होती थी कि आज पिताजी ने, आज भगवान ने खुद उनको बुलाया है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता था कि उन्हें किस कारण से बुलाया गया। वो बड़ी खुशी खुशी से रात को गुफा के अंदर जाती थी, लेकिन जब वापस लौटती थी तो उनका सब कुछ लुट चुका होता था। तो ये सारी घटनाएं वहां डेरा के अंदर हो रही थी और किसी को मुंह खोलने नहीं दिया जा रहा था, और इस चिट्ठी के मार्फत साध्वी ने अपनी पीड़ा बयान की। हमारे पिता ने पहली बार उस चिट्ठी को अपने अखबार के अंदर पब्लिश किया, और उसके बाद उनको धमकियां मिलनी शुरू हुई। उन धमकियों के बाद भी लगातार वो डेरा सच्चा सौदा को एक्सपोज करते रहे,
इस चिट्ठी के रिगार्डिंग जितना भी घटनाक्रम हुआ 30 मई 2002 से लेकर 24 अक्टूबर 2002 को हमारे पिता के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उन्हें 5 गोलियां मारी गई, इन महीनों के बीच में, कुछ महीनों के बीच में, मई से लेकर अक्टूबर के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई चिट्ठी से रिगार्डिंग, चिट्ठी की सीबीआई जांच के रिगार्डिंग, हाई कोर्ट ने उसका सुओ मोटो लिया, इस सब के रिगार्डिंग जितनी भी घटनाएं हुई और जितना भी प्रताड़ना हुई, उन सब को हमारे पिता ने अपने अखबार के अंदर लगातार छापते रहे। और इस दरमियान उनको कई बार धमकियां भी मिली, कई बार उनको टारगेट किया गया, कई बार उनके ऊपर एससी एसटी का एक फेक जो है इस्तगासा डलवाया गया। तो हर तरह से साम दाम दंड भेद हर तरीके से रामचंद्र छत्रपति को दबाने की कोशिश हुई, लेकिन अल्टीमेटली वो दबे नहीं, जिसका अंजाम ये हुआ कि 24 अक्टूबर 2002 की शाम को घर के बाहर उन्हें 5 गोलियां मार दी गई, डेरा के 2 शूटर आए और उन्होंने उनको शूट कर दिया। चिट्ठी के बाद का जो घटनाक्रम था जो मैंने आपको बताया, चिट्ठी बाहर आने के बाद तर्कशीलों को मारा पीटा गया, उनके ऊपर भी ये ब्लेम था कि वो चिट्ठी बांट रहे हैं। सिरसा के अंदर बहुत सी घटनाएं हुई, हरियाणा का एक शहर है रतिया, वहाँ फोटो स्टेट की 2 दुकानों को तोड़ा गया जिनके ऊपर ये आरोप था कि वो चिट्ठी की कॉपीज जो हैं वो फोटो कॉपी करके जीरोक्स करके उनको लोगों के अंदर बांट रहे हैं। फतेहाबाद एक जिला है हरियाणा का, वहाँ के एक अखबार ने 6 जून को चिट्ठी के रिगार्डिंग एक समाचार पब्लिश किया और उस अखबार के दफ्तर को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, तोड़ फोड़ दिया गया, उसके एडिटर को तेल डालकर जलाकर, पेट्रोल छिड़ककर जलाकर मारने की कोशिश की गई। तो इन सारी घटनाओं को हमारे पिता लगातार छाप रहे थे, लगातार लिख रहे थे। उसके बाद चिट्ठी की कॉपी जो माननीय हाई कोर्ट को गई, तो उन्होंने हमारे सिरसा के जो उस समय के सेशन जज थे एमएस सुलर साहब, माननीय हाईकोर्ट ने एमएस सुलर साहब को लिखा कि इस तरह की हमारे पास एक चिट्ठी आई है, इसका इसकी सच्चाई के बारे में हमें बताया जाए। तो एमएस सुलर साहब ने रिप्लाई किया माननीय हाईकोर्ट को कि डेरा सच्चा सौदा एक बहुत बड़ा तंत्र है, इसकी जांच करना मेरे बस का नहीं है और इस तरह की घटनाएं इसके अंदर हो सकती हैं और इसकी जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से, सेंट्रल एजेंसी से करवाई जाए। उसके बाद सितंबर 2002 के अंदर माननीय हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसके अंदर इस चिट्ठी के रिगार्डिंग उन्होंने जांच जो है सीबीआई को सौंप दी। तो ये सारी घटनाएं लगातार चल रही थी, लगातार घट रही थी चिट्ठी की जांच तक। और इवन एक बीच में घटना हुई, पंजाब के एक सांसद थे जगमीत बराड़ साहब, वो सिरसा में आए, डेरा के अंदर गए, डेरा में जाकर आने के बाद सिरसा में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां उन्होंने कहा कि मैं डेरा सच्चा सौदा में माथा टेकने गया था, वो हमारे पारिवारिक गुरु हैं। तो हमारे पिता ने जगमीत बराड़ साहब का, सांसद जी महोदय का एक इंटरव्यू किया था, उस इंटरव्यू को उन्होंने एज इट इज पब्लिश किया जिसके अंदर उन्होंने जगमीत बराड़ साहब से बहुत तीखे सवाल किए थे। उन्होंने जगमीत बराड़ साहब को पूछा कि आपने कहा कि वो हमारे गुरु हैं, हमारे परिवार के गुरु हैं गुरमीत राम रहीम, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन से धर्म से संबंध रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं, मैं भारतीय हूं। तो पिता ने पूछा कि आप भारतीय तो हम सभी हैं, लेकिन आपने जब इलेक्शन लड़ा तो नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर एक कॉलम होता है रिलीजन, तो उस कॉलम में आपने कहा, तो उन्होंने कहा कि उस कॉलम के अंदर मैंने सिख धर्म भरा। तो पिता ने पूछा कि तो इसका मतलब आप मानते हैं कि आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर पिता ने कहा कि सिख धर्म के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो दशम 10 गुरुओं के बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसे ही गुरु माना जाएगा, कोई भी देहधारी जो है वो सिखों का गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों का
गुरु होगा। तो क्यों ना अकाल तख्त जो सिखों का सर्वोच्च एक तख्त है, क्यों ना अकाल तख्त पर आपको तनखैया घोषित किया जाए आपकी इस बात को लेकर कि आप कह रहे हैं कि गुरमीत राम रहीम जो है वो मेरा गुरु है। तो इस तरह के इंटरव्यू को, एक तीखे इंटरव्यू को उन्होंने अपनी अखबार के अंदर छापा, तो डेरा सच्चा सौदा को लगा कि क्योंकि पंजाब की बहुत सारी बड़ी एक बेल्ट जो है वो डेरा सच्चा सौदा की फॉलोअर्स है और छत्रपति लगातार उसको टारगेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें लगातार घटित हो रही थी। उसके बाद 24 अक्टूबर को जब उनके ऊपर अटैक हुआ, उससे एक दिन पहले 23 अक्टूबर 2002 को हमारे फादर ने डेरा सच्चा सौदा से रिलेटेड एक न्यूज आइटम पब्लिश की थी। उसी दिन चौटाला सरकार के और डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ दो बड़े आर्टिकल पूरा सच के अंदर छपे थे और अगले ही दिन उनके ऊपर ये अटैक हो जाता है। वो घटना क्या थी 24 अक्टूबर की, वो जरा हमें बता दीजिए। उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार फोन पर धमकियां और बहुत सारे तरीके से उनको टेरराइज किया जा रहा था, एक एससी एसटी एक्ट का के तहत एक इस्तगासा डलवाया गया उनके खिलाफ जो कि एक डेरा के श्रद्धालु ने डाला, और भी बहुत सारी घटनाएं हुई जिसके रिगार्डिंग 2 जुलाई 2002 को हमारे फादर ने सिरसा के एसपी को एक पत्र लिखा। उसके अंदर उन्होंने लिखा कि मुझे कई तरह की फोन कॉल्स आ रही हैं जिसमें मुझे आतंकित करने का प्रयास हो रहा है, और क्योंकि मैं लगातार डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ इस तरह की खबरें लिख रहा हूं, और मुझे ये पता चला है कि डेरा सच्चा सौदा ने मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन दी है कि पूरा सच के अंदर जो खबरें छप रही हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं अपने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन कर रहा हूं और मैं इसे कभी भी रोकूंगा नहीं, और मुझे इस तरह से आतंकित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके ऊपर रोक लगाई जाए और पता किया जाए कि ये लोग कौन है। लेकिन उस लेटर का कोई असर नहीं हुआ और अल्टीमेटली 24 अक्टूबर 2002 की शाम को करीब करीब 7:30-8 बजे दो शूटर जो थे, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह, जो डेरा के श्रद्धालु थे, वो हमारे घर के बाहर आए। घर के बाहर उन्होंने आवाज लगाई। हमारी माता जो हैं वो उस दिन अपने मायके गई हुई थी पंजाब के अंदर, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरी ननिहाल है, वो वहाँ गई हुई थी। तो हम तीन भाई बहन भाई घर पे थे, मेरे दो छोटे बहन भाई और मैं और मेरे पिता। पिता क्योंकि अक्सर अखबार का, क्योंकि एक सांध्या दैनिक था, उसकी पब्लिकेशन के बाद वो शाम को अपने फ्रेंड सर्कल में जाया करते थे, उनके साथ मीटिंग किया करते थे, बातचीत किया करते थे अपनी दिनचर्या के बारे में, अपनी अखबार के बारे में और अगले दिन क्या आएगा, क्योंकि वो लगातार एक ऑफ द रिकॉर्ड कॉलम छपता था अखबार के अंदर, पूरा सच के अंदर, जिसके जो सत्यवादी के नाम से छपता था, उसे हमारे पिता लिखा करते थे, लेकिन वो नाम से नहीं छपता था, वो सत्यवादी की कलम से ऐसा लिखा जाता था। तो उसके बारे में वो अलग अलग मित्रों से चर्चा करते रहते थे। तो वो करीब करीब घर लेट आया करते थे, परंतु हमारी माता क्योंकि बाहर गई हुई थी और मेरे छोटे बहन भाई ने उनसे कहा कि आप जल्दी आइए, तो पिता उस दिन जल्दी आए। 7:30 बजे करीब वो घर पर पहुंचे, अभी बड़ी मुश्किल से 10-15 मिनट हुए होंगे उनको आए हुए, तो घर के बाहर से उनको बुलाने की आवाज आई। जैसे ही वो घर के बाहर निकले गेट से बाहर, तो उन्हें उनके ऊपर गोलियां दाग दी गई। हम आवाज सुनकर बाहर आए, हमने देखा कि दो लड़के बिल्कुल आसपास अगल बगल खड़े हुए थे, जिनमें से दूसरे ने, जिसके हाथ में पिस्तौल था, उसको आवाज दी कि कुलदीप गोली मार, और उसने लगातार 5-6 गोलियां दागी और हमारे पिता उसी समय वहां एक बार गिर गए। गिरने के बाद वो उठे और अपने गेट के पास आकर के फिर से गिर गए। तो हमारे पड़ोसियों के पास कार हुआ करती थी, हम लोग उनकी कार में उन्हें डाल करके
यहाँ के जो सामान्य अस्पताल है सिविल हॉस्पिटल वहां लेकर गए लेकर के गए। इन द मीन टाइम जो दोनों शूटर्स थे उनमें से एक, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर पुलिस पोस्ट हुआ करती थी, पुलिस चौकी, तो पुलिस चौकी के पास जब वो भागता हुआ जा रहा था तो पुलिस वाले मुलाजमों ने जैसे ही शोर सुना हमारा तो उनमें से एक को उन्होंने मौके पर ही दबोच लिया और उसके बाद उसके पास से जो वेपन बरामद हुआ वो वेपन डेरा सच्चा सौदा का मैनेजर था किशनलाल उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर था। एक वॉकी टॉकी सेट बरामद हुआ उनके पास से, उस वॉकी टॉकी का लाइसेंस भी मैसर्स डेरा सच्चा सौदा के नाम था और जो स्कूटर था उनके पास वो स्कूटर भी डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर के नाम रजिस्टर्ड था। तो इस तरह से वो सारी की सारी जो चीजें थी वो इशारा कर रही थी कि जो साजिश जो है कॉन्स्पिरेसी डेरा सच्चा सौदा के अंदर रची गई। तो इन द मीन टाइम हम लोग अपने पिता को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ काफी समय लगा, लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे। एसपी सिरसा डीसी सिरसा वहाँ पहुँचे, उनको रोहतक पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया। रोहतक मेडिकल कॉलेज है हरियाणा के अंदर, वहाँ ले जाने के लिए कहा गया। तो इस प्रोसेस में भी काफ़ी देरी हुई, काफ़ी लंबा वक्त बीत गया। हम लोगों ने काफ़ी शोर भी मचाया कि इतनी देर क्यों की जा रही है, उनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। और वहाँ कई दिनों तक इलाज चला उनका रोहतक के अंदर, हालांकि वो बोल चाल रहे थे, वो बिल्कुल स्थिर थे, उनके होशोहवास में थे। सीएम हरियाणा उन दिनों ओम प्रकाश चौटाला थे और वो अमेरिका में गए हुए थे। वो जैसे ही मुझे लगता है कुछ दिनों बाद वो सीएम हरियाणा वापिस आए अमेरिका से, जैसे ही उनकी फ्लाइट उतरी दिल्ली में तो वो रोहतक में पिता से मिलने के लिए आए, भेंट करने के लिए आए। उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बहुत सारे और भी लोग उनसे मिलते रहे, बातचीत करते रहे, लेकिन हरियाणा पुलिस या मैं कहूं कि जिसे हम मजिस्ट्रेट का बयान कहते हैं, 164 की स्टेटमेंट कहते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं की गई, जो कि बहुत जरूरी थी क्योंकि वो डेथ बेड पे थे। और इसके बाद हमारे दादा की तरफ से एक एप्लीकेशन मूव की गई कि मेरे बेटे की हालत जो है वो इस तरह की है और उनकी 164 की एक स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड की जाए, लेकिन उसके बावजूद ये सब नहीं किया जानबूझकर। पुलिस वाला जो उनकी स्टेटमेंट लेने के लिए आया, 26 अक्टूबर 2002 की ये घटना है, एक पुलिस का ऑफिसर उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आया हमारे सामने। हमारे पिता ने सारी घटनाओं के बारे में खुल करके बताया कि उनके ऊपर जो अटैक हुआ है उसके पीछे गुरमीत राम रहीम की साजिश है, लेकिन पुलिस वाले ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की उसमें से गुरमीत राम रहीम का नाम जो है वो हटा दिया गया। इस सब के बारे में हालांकि हमें उस वक्त मालूम नहीं था। अल्टीमेटली 8 नवंबर 2002 को उनकी तबीयत ज़्यादा जो है वो बिगड़ गई और हम उन्हें यहाँ से शिफ्ट करके रोहतक से दिल्ली अपोलो के लिए लेकर के गए। दिल्ली अपोलो में वो कई दिन तक हॉस्पिटलाइज्ड रहे, तो लगातार वो करीब करीब 28 दिन तक हॉस्पिटलाइज्ड रहे। उनकी हालत जो है वो अपोलो जाने के बाद और नाजुक होती गई, वो वेंटिलेटर पे थे। उसके बाद वो किसी से बातचीत नहीं कर पाए, बोलचाल नहीं पाए, ना ही उनकी स्टेटमेंट जो है मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हो पाई। तो इस बात का भी हमें मलाल रहा कि हम उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवा पाए। ये सारी बातें जो हैं वो चलती रही, होती रही। इन द मेन टाइम जिस दिन उन पे अटैक हुआ, मेरे छोटे ब्रदर की तरफ से जो उस वक्त 13 साल कुछ महीने का था, उसकी तरफ से FIR सिरसा के शहर थाना में, सिटी थाना के अंदर FIR दर्ज करवाई गई। और उस FIR को दर्ज करवाने के लिए भी
कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बहुत मशक्कत के बाद उस एफआईआर के अंदर डेरा सच्चा सौदा का नाम लिखवाया जा सका। पुलिस जो है उस एफआईआर के अंदर डेरा सच्चा सौदा का नाम तक लिखना नहीं चाह रही थी। हालांकि सारी साजिश, दोनों शूटर पकड़े गए थे, उनके पास से वेपन बरामद हो गया जो सारा का सारा इशारा कर रहा था कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर से ये लोग आए, लेकिन पुलिस उस एफआईआर के अंदर डेरा सच्चा सौदा का नाम नहीं लिखना चाह रही थी। ये तो हमारे पिता क्योंकि वकील रहे, बहुत सारे उनके सैकड़ों वकील साथी, सैकड़ों पत्रकार साथी और शहर के अंदर से बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जो थे वो शहर थाना के अंदर चले गए और एक दबाव बनाया गया कि जो लोग, जो वो लोग बोल रहे हैं, जो मेरे ब्रदर ने बोला है, आप लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो इस मामले को घुमाने की कोशिश की गई, डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। सिरसा के डीएसपी राय सिंह सहारण ने मीडिया के सामने कहा कि ये साजिश तो छत्रपति के ससुराल में रची गई है, ये लोगों, इन लोगों को वहां से भेजा गया है पंजाब से, क्योंकि छत्रपति की ससुराल की जो जमीन है ये सारा उसका मामला है। तो इस तरह से उस मामले को पता नहीं क्यों डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, यहां तक कोशिश की गई पुलिस की तरफ से। तो डेरा सच्चा सौदा का जो राजनीति के अंदर जो पैठ थी, सरकार के साथ जो गठजोड़ था, उस सारे गठजोड़ की वजह से डेरा सच्चा सौदा को बचाने की भरपूर कोशिश हुई पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। तो बड़ी मशक्कत के बाद ये एफआईआर हुई और 28 दिन बाद पिताजी का जब निधन हुआ, देहांत हुआ, तो उनके देहांत के बाद सीएम हरियाणा हमारे घर पर आए शोक प्रकट करने के लिए। वहां भी उन्होंने यही बात कही, दोहराई कि अपराधी जितना बड़ा क्यों ना हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, परंतु लगातार सरकार और पुलिस जो है वो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को शील्ड करती नजर आई। एक बार भी उससे पूछताछ नहीं की गई, एक बार भी पुलिस जो है वो डेरा के अंदर नहीं गई। जो दो शूटर और डेरा का मैनेजर जिसका लाइसेंसी रिवॉल्वर था, इन तीन लोगों को इंटेंगल किया गया एफआईआर के अंदर और उनके खिलाफ चार्जशीट जो है पुलिस ने बना करके केस कोर्ट के अंदर दाखिल कर दिया। यहां से हमारी जो दूसरी लड़ाई शुरू हुई, लगातार पत्रकारों का एक जो दल था वो भी ये मांग उठा रहा था और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो थे, बुद्धिजीवियों का ग्रुप था, हरियाणा के अंदर एक कुरुक्षेत्र से जनसंघर्ष मंच ने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया छत्रपति के मामले की सीबीआई जांच करवाए जाने को लेकर। तो अलग अलग फ्रंट से ये आवाज उठी कि इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए, लेकिन सरकार के कानों पर कोई जूं तक नहीं रेंगी। तो ये सब घटनाएं लगातार घटती रही और हमारा, यहाँ से हमारी दूसरी लड़ाई शुरू हुई। दिसंबर 2002 को पहली बार हमने सीएम हरियाणा को एक लेटर लिखा जिसके अंदर हमने ये मांग की कि मामले की जांच जो है सीबीआई से करवाई जाए, क्योंकि पुलिस लगातार डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को शील्ड कर रही है और हम ये कह रहे हैं कि मुख्य जो साजिश करता है वो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख है। लेकिन ये हमें पता था कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ सरकार नहीं जाएगी, क्योंकि सरकार का और डेरा सच्चा सौदा का जिस तरीके का नाता है, वोटों का जो लालच है, पैसों का जो लालच है, तो इन सब को लेकर के हमने एक जनवरी 2003 के अंदर एक पेटिशन मूव की पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें हमने ये डिमांड की कि इस मामले की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। इस मामले के अंदर पुलिस ने, प्रशासन ने ये लकुने रखे। हमारे फादर 28 दिन हॉस्पिटलाइज रहे, उनका मजिस्ट्रेट के सामने जानबूझकर बयान दर्ज नहीं करवाया गया। पुलिस ने आज तक कभी भी मुख्य कल्प्रिट जो था उसको इंटेरोगेट तक नहीं किया गया। तो ये सारी डिमांड्स जो हमने उस पेटिशन के अंदर की, तो अल्टीमेटली करीब करीब जी मैं एक सवाल पूछ रहा था कि आपको, आपके पिताजी को हम नमन करते हैं कि उन्होंने निर्भय से, इतनी निडर से वो लड़ाई लड़ी। मैं ये क्वेश्चन आपको करना चाहता हूँ कि इतने बड़े बाबा को के खिलाफ, जो बाबा इतना बड़ा है कि उनका सरकार में भी बहुत पावर है, पैसा है, दहशत है,
लोग उनके साथ है, तो आप में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो आप कोर्ट में जाकर उस बाबा के खिलाफ ये लड़ाई लड़े? ये हिम्मत आप में कहां से आ गई ये जरा बता दीजिए, और हम आगे आपकी कोर्ट की लड़ाई भी सुनेंगे। आपने जो कोर्ट में लड़ाई लड़ी है वो इससे भी बहुत अच्छे है, तो आप में ये हिम्मत कहां से आ गई कि ये बाबा के खिलाफ आप सीधे कोर्ट में गए? हमारे पिता एक निडर आदमी थे, ये कहीं ना कहीं एक मेरा ये मानना है कि मुझे ये चीज़ें विरासत में मिली शायद, क्योंकि हमारे दादा ने भी अपनी बिल्कुल एक साधारण किसान थे, कभी कोई उन्होंने किसी के साथ कोई ठगी या इस तरह का कोई काम नहीं किया। उनकी ये नीति थी कि अपनी अपना कर्म करके, अपनी मेहनत करके, अपनी रोटी कमा करके खाओ, किसी के साथ किसी तरह का कोई छल मत करो, और ये चीज़ें हमारे खून में थी। और उसी तरह से हमारे पिता भी एक निडर आदमी थे, उन्होंने कभी भी सच्चाई के लिए उन्होंने कभी भी मतलब उनके अंदर जो निडरता थी, जो जज्बा था, वो कभी पीछे नहीं हटे सच्चाई बोलने से, और वही जज्बा जो है उन्हें यहाँ तक लेकर के गया। उन्हें एक तरह से उनके उन्हें अपनी जान की कीमत देनी पड़ी उसी जज्बे को लेकर। और जब बात आई मुझ तक, तो मेरा ये मानना है कि मुझे कुछ भी असाधारण नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये सब मेरे लिए साधारण है। मैं अपने पिता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उन्होंने एक जो एक कॉज के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिस कॉज के लिए उन्होंने कुर्बानी दी वो जेन्युइन कॉज था, एक सोशल कॉज था, एक उन लोगों की लड़ाई थी जो उन लड़कियों की लड़ाई थी जिनकी इज्जत आबरू के साथ डेरा के अंदर खिलवाड़ हो रहा था, उन लोगों की लड़ाई थी जिनकी जमीनें हथिया ली गई, उन लोगों की लड़ाई थी जिनके अंदर अंदर जुल्म हो रहा था डेरा के अंदर, और उनके उनको आतंकित किया जा रहा था। तो उन सब की लड़ाई को लेकर हमारे पिता ने जो एक शुरू किया, वो जज्बा जो है वो यूं ही नहीं आया उनके अंदर, वो सच्चाई उनके खून में थी, उनके अंदर शुरू से थी, और वही सच्चाई उनको यहाँ तक के उनके उनको मौत के मुंह के अंदर लेकर के गई। तो मेरा ये मानना है कि जब ये सब मेरे पिता का मर्डर हुआ, उसके बाद ये लड़ाई शुरू होती है, तो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हुए। डेरा सच्चा सौदा ने, क्योंकि इनका बहुत बड़ा नेटवर्क था, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स थे, इन्होंने अपने फॉलोअर्स के जरिए समाज के अंदर इस तरह के लोगों में भ्रम फैलाना शुरू किया कि छत्रपति एक ब्लैकमेलर पत्रकार था वो हमें ब्लैकमेल कर रहा था। इस तरह का घटनाएं जो हैं इन्होंने जानबूझकर प्रचारित करनी शुरू की, जिस वजह से मुझे ये लगा कि ये लड़ाई अभी अधूरी है, और वो साध्वियों को इंसाफ मिलना भी अभी अधूरी है, अधूरा है। हमारे पिता की लड़ाई जो उन्होंने शुरू की वो अभी अधूरी है। जो पिता के ऊपर जो आक्षेप लगाए जा रहे हैं उनको झूठा साबित करना भी एक चैलेंज था। तो इस सब के लिए मैंने एक न्यायिक लड़ाई लड़ने का जो मन बनाया वो, और दूसरा ये था कि मुझे कभी भी इस बात के लिए भय नहीं लगा, डर नहीं लगा, क्योंकि मैं सच्चाई पर खड़ा था, मेरे पिता सच्चाई पर खड़े थे, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। मुझे ये लगा कि मैं अब जिस लड़ाई को लड़ने जा रहा हूँ मैं कुछ गलत नहीं करने जा रहा हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे जो जेन्युइन लोग थे जो मेरे पिता के विचार के साथ खड़े थे, मेरे पिता के विचारों से सहमत थे, जो इस कॉज के लिए लगातार लड़ रहे थे अलग अलग फ्रंट्स पर, वो सारे मेरे साथ थे, उनकी सोच मेरे साथ थी, एक विचार मेरे साथ था, उस विचार को लेकर मैं लड़ा, वही विचार मेरी ताकत था, वही विचार मुझे यहाँ तक लेकर के आया, और मेरा मेरी निडरता बना रहा। मेरे पिता के विचार जो थे वो मेरी निडरता बने रहे, उनकी कुर्बानी मेरे लिए एक तरह से जज्बा बनी रही, और मुझे ये था कि उनकी कुर्बानी जो है
वो उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया जाना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं किसी अंजाम तक जरूर पहुंचना है। ये सब को लेकर के मैं पहले दिन घर से निकला था इस लड़ाई को, इसकी इस मशाल को लेकर के। हम लोग हाई कोर्ट गए, वहाँ कई महीनों तक उस लड़ाई को लड़ा हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में हमें कहा गया, बहुत बार सिरसा के एसपी को तलब किया गया, हमें बोला गया कि आप एक बार डीजीपी हरियाणा से मिले। तो हमारी मांग माने जाने से पहले हम लोग डीजीपी हरियाणा से मिले माननीय हाई कोर्ट के आदेश के पालन के लिए। तो डीजीपी हरियाणा उस समय एमएस मलिक थे। एमएस मलिक से जब हम मिलने गए तो हमने ये सारी अपनी बात जो है उनके सामने रखी। हमने कहा कि सारी साजिश डेरा सच्चा सौदा के अंदर रची गई, मुख्य कल्प्रिट जो है वो आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, पुलिस ने कभी उसको इंटेरोगेट तक नहीं किया। तो हमारा ये मानना है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन अधूरी है। तो मलिक साहब ने कहा कि आपके कहने से क्या होगा, आप कह देंगे कि हमारे पिता का मर्डर राष्ट्रपति ने करवाया है तो क्या मैं राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लूंगा। तो इस तरह के बोल जब उन्होंने कहे तो मैं उठा, मैंने उनसे कहा कि मलिक साहब मुझे आपसे यही उम्मीद थी, मुझे इससे ज्यादा आपसे उम्मीद नहीं थी, मैं सिर्फ माननीय हाई कोर्ट के आदेशों की पालना के लिए आपसे मिलने आया हूँ, आपकी टेबल पर आया हूँ, अदरवाइज मुझे आपसे कोई ज्यादा उम्मीद थी भी नहीं। मैं जा रहा हूँ और जो आपके और मेरे बीच में जो वार्तालाप हुआ है मैं एज इट इज इससे शब्दशः हाई कोर्ट के सामने रखूंगा। और हमने वही किया, मैंने एक एफिडेविट हाई कोर्ट के सामने फाइल किया और जो हमारी वार्तालाप हुई, जो बातचीत हुई, जो मुझे मलिक साहब ने, डीजीपी साहब ने जो जवाब दिया वो एज इट इज मैंने हाई कोर्ट के सामने रखा कि मुझे उन्होंने ये कहा। और उसके बाद ये लड़ाई फिर वहाँ चली और अल्टीमेटली हमारा जो पहला स्टेप जो है हमने पार किया, पहली जीत जो है वो हमारे लिए सुकून भरी थी। 10 नवंबर 2003 को माननीय हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच थी, श्री बीके राव राय और स्वतंत्र कुमार की बेंच थी। उस बेंच ने फैसला सुनाया सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लेकर के हम लोग वहां से आए। शुरू हुआ सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया और उसके बाद मुझे लगता है कि अभी वो प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ था कि हमें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा, क्योंकि हमारे विरोधी जो थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जा करके एक एसएलपी मूव किया था और उस एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को किया, स्टे कर दिया हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को। तो करीब करीब एक साल तक वहाँ वो सब चलता रहा, वहाँ स्ट्रगल चला, वो लड़ाई चली, वो न्यायिक लड़ाई। वहाँ हमने अपना जवाब दायर किया और अल्टीमेटली नवंबर 2004 में वहाँ से फिर से वो हमारे हक में हुआ फैसला और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हुई। आपने जो छोटे छोटे काम के लिए भी आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, ये बहुत गंभीर बात है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ? सीबीआई ने आपने बीबीसी में भी इंटरव्यू किया था, उसमें आपने बताया था कि इस केस में सीबीआई ने बहुत अच्छा काम किया है। तो सीबीआई ऑफिसर ने क्या काम किया और उनके काम में बाबा राम रहीम ने कैसे रोक लगा दी सीबीआई ऑफिसर को और उनको गवाहों को कैसे रोका गया, कैसे धमकाया गया, इसके बारे में जरा आप 5 मिनट में बताइए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट से जब तय हुआ उसके बाद वर्किंग प्रोसेस जो है वो प्रोसेस में आया। हमारे बयान रिकॉर्ड किए गए, कंप्लेनेंट जो थे, कंप्लेनेंट फैमिली से जो गवाह थे उनके बयान दर्ज किए गए,
उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू तो हुआ, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए बहुत तरह के हथकंडे अपनाए गए। जब सीबीआई के जो आईओ थे मिस्टर सतीश डागर और एक आईओ और थे सीबीआई के अंदर अरमानदीप सिंह, ये दो आईओ थे, दोनों डीएसपी स्तर के अधिकारी थे। उन दोनों को लगाया गया था इन केसेस के अंदर, जो साध्वी यौन शोषण वाला मामला था और हमारे पिता का मामला, और एक मामला और मैं आपको जिक्र करना भूल गया, डेरा सच्चा सौदा के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर थे रणजीत सिंह, कुरुक्षेत्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते थे वो, उनका भी मर्डर करवा दिया था डेरा सच्चा सौदा ने। हालांकि वो उनकी कमेटी के मेंबर थे, उनका मर्डर भी हुआ जुलाई 2002 के अंदर, 10 जुलाई 2002 को उनका मर्डर हुआ। जब हमारे पिता का मर्डर हुआ, मामला मीडिया में आया, हाईलाइट हुआ, तो उनके पिता को एक सहारा मिला, उन्होंने भी पेटिशन मूव किया, दोनों पेटिशन को क्लब कर दिया गया हाई कोर्ट के अंदर और ज्वाइंट ऑर्डर हुआ दोनों के अंदर, और रणजीत सिंह और मेरे पिता के मामले दोनों के अंदर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइंट शुरू किया। दोनों मामले हालांकि अलग अलग थे, लेकिन ज्वाइंट ऑर्डर था दोनों के, तो तीनों मामलों में सीबीआई ने काम शुरू किया। सबसे पहले जब सीबीआई ऑफिसर्स ने काम शुरू किया तो सीबीआई के खिलाफ बहुत सारे तरह का दबाव बनाया गया, पीएमओ के अंदर और मंत्रालय के अंदर और डायरेक्टरेट के अंदर तरह तरह की चिट्ठियां भेजी गई, सीबीआई अधिकारियों पर ब्लेम लगाए गए, और भी बहुत तरह का दबाव बनाने की कोशिशें की गई। इवन 2005 की घटना है चंडीगढ़ के अंदर, क्योंकि जो ब्रांच इसको रीजनल ब्रांच जो है जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी मामलों को, वो चंडीगढ़ ब्रांच थी, तो चंडीगढ़ सीबीआई का जो ऑफिस था उसको घेरने की तैयारी की गई। उस दिन मुझे याद है, मैं भी उस दिन चंडीगढ़ गया हुआ था, और चंडीगढ़ के अंदर हजारों, छोड़िए मुझे लगता है लाख से भी ऊपर संख्या होगी डेरा के श्रद्धालुओं की, जिन्होंने चंडीगढ़ को घेर रखा था, और चंडीगढ़ के अंदर पूरा ऐसा माहौल बना दिया। उनके हाथों में तख्तियां थी जिसके ऊपर सीबीआई मुर्दाबाद और इस तरह के नारे लिखे गए थे, सीबीआई ऑफिसर्स के नाम लिखकर उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गई। तो ये सारी घटनाएं वहां चंडीगढ़ के अंदर सीबीआई को प्रेशराइज करने के लिए की गई। उसके बाद डेरा सच्चा सौदा ने एक एफिडेविट का परफॉर्मा बनाया, एक ही फॉर्मेट था, एक ही परफॉर्मा, एक प्रिंट निकाले गए, उसके अंदर नाम एड्रेस अलग हैं, पता नहीं किसके साइन है किसके नहीं है, वो एफिडेविट साइन करवा करवा करके डेरा के फॉलोअर्स की तरफ से वो सीबीआई के जो हेडक्वार्टर है वहाँ भिजवाए गए, जिसके अंदर ये लिखा गया कि सीबीआई के ऑफिसर्स जो हैं वो हमारे पिताजी के खिलाफ जांच कर रहे हैं, अगर हमारे पिताजी के खिलाफ कुछ ऐसा किया वैसा किया तो हम जान दे देंगे, हम ऐसा करेंगे, और जिसकी जिम्मेवारी सीबीआई की होगी, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। दूसरा मैं ये बता दूं कि जो मैं आपको जिक्र कर रहा था सीबीआई चंडीगढ़ के अंदर जो लाखों लोग आए, क्योंकि मैं उस दिन वहां था, तो बहुत सारे लोगों से मैंने भी पूछने की कोशिश की, तो बहुत से लोगों को वहां ये मालूम नहीं था कि वो यहाँ वो चंडीगढ़ के अंदर किस मसले को लेकर एकजुट हुए हैं। वहां लोगों को भ्रमित करके बुलाया गया, उन्हें ये कहा गया कि आज यहाँ सत्संग है आपको आना है, तो इस तरह से लोगों को इकट्ठा किया जाता था दबाव बनाने के लिए। उन्हें ये मालूम भी नहीं होता था कि वो लोग क्यों आए हैं, कोई यूपी से था, कोई राजस्थान से था, तो इस तरह की घटनाएं सीबीआई के को दबाव में लाने के लिए की गई। उसके बाद राजनीति का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस पंजाब के अंदर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कांग्रेस की थी, तो पंजाब हरियाणा राजस्थान यहाँ
अलग अलग स्टेट्स के, मैं कहूँ बहुत सारे सीएम और राजनेता जो थे वो यहाँ डेरा सच्चा सौदा के अंदर माथा टेकते थे और वोटों की राजनीति जो है वो हो रही थी, लोग वोटों की खेती डेरा सच्चा सौदा कर रहा था और उसी वोटों की खेती को लेकर जितने भी राजनेता थे वो डेरा के अंदर माथा टेकने के लिए आते। तो पंजाब के अंदर क्योंकि एक बहुत बड़ी फॉलोअर्स की गिनती थी डेरा सच्चा सौदा की, जिसको लेकर पंजाब के बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने के लिए गए। उन्होंने ये दबाव बनाया कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो है उसको रोका जाए, सीबीआई के ऑफिसर्स पर दबाव बनाया जाए ताकि वो डेरा हेड का नाम जो है वो इन मामलों में निकाल दे। तो इस तरह की गतिविधियां जो हैं वो लगातार सीबीआई पर दबाव बनाने के लिए चलती रही। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा सीबीआई के उन पूरी की पूरी टीम को, सीबीआई को, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इन मामलों के अंदर। सरदार सतपाल सिंह जी थे उस वक्त एसपी साहब, सतीश डागर जी थे जांच अधिकारी, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, निडरता से काम किया बिना किसी दबाव के। मुझे लगता है बहुत सारा दबाव आया उनके ऊपर डायरेक्टरेट की तरफ से भी और मंत्रालय की तरफ से भी, लेकिन उन्होंने दबाव को नज़रअंदाज किया और झेला, बहुत कुछ झेला उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, लेकिन उन्होंने फिर भी इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम तक पहुंचाया। दूसरी बड़ी बात कि उन्होंने जिस तरीके से पेन लेकर के इन्वेस्टिगेशन की, शायद सीबीआई के पास बहुत सारी फाइलें आती हैं, एक साधारण फाइल के तौर पर ये भी उनके सामने थी, एक केस था उनके सामने इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन वो पूरी की पूरी टीम, सतपाल सिंह जी, सतीश डागर जी और उनकी नीचे जो काम करने वाली जो टीम थी इंस्पेक्टर लेवल पे, हेड कांस्टेबल लेवल पे, सारे के सारे लोग जो थे, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से काम किया वो बिल्कुल काबिले तारीफ था और तभी ये मामला यहाँ तक पहुंच पाया। उस केस में, इस केस में सबसे महत्वपूर्ण गवाही खट्टा सिंह जी की रही, जो खट्टा सिंह राम रहीम, गुरु राम रहीम का ड्राइवर था। तो उस गवाह के बारे में और उसके धाड़स के बारे में जरा आप बता दीजिए। खट्टा सिंह भी डेरा के एक पूर्व साधु हैं। डेरा सच्चा सौदा के साथ खट्टा सिंह का बहुत पुराना संबंध है। डेरा सच्चा सौदा की गद्दी पर जब गुरमीत सिंह 1990 में बैठा तो खट्टा सिंह का परिवार उससे पहले से भी डेरा से जुड़ा हुआ था। उसके बाद गुरमीत सिंह के नज़दीकियों में खट्टा सिंह शामिल था। डेरा सच्चा सौदा की बहुत सारी जो मुख्य कमेटियां थी उसके अंदर खट्टा सिंह शामिल था, लेकिन अल्टीमेटली 2004 के अंदर खट्टा सिंह का डेरा से मोह भंग हुआ। और खट्टा सिंह वो व्यक्ति था जिसने डेरा के अंदर होने वाली घटनाओं को बहुत नज़दीक से देखा था, डेरा के अंदर जो साजिशें रची गई उनको नज़दीक से देखा था, डेरा के अंदर क्या क्या घटित हो रहा था उन सारी चीज़ों की जानकारी खट्टा सिंह को थी। तो वो एक मुख्य गवाह था सीबीआई के लिए हमारे केसों में और उसकी गवाही अहमियत रखती थी, गवाही के लिए तैयार भी हुए खट्टा सिंह। लेकिन अल्टीमेटली खट्टा सिंह को, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी यहाँ सिरसा के एक गांव चोरमार साहिब से वो बिलोंग करता था, वहाँ से प्रॉपर्टी बेच के उन्होंने डेरा के अंदर प्रॉपर्टी बना ली, तो वहाँ से प्लान करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उनका सब कुछ वहीं था। लेकिन वो अपने परिवार को लेकर के वहाँ से निकल गए और पंजाब के अंदर मोहाली चंडीगढ़ के बिल्कुल एडजॉइनिंग है वहाँ रहने लगे। उसके बाद उनको धमकियाँ मिलनी शुरू हुई और जैसे तैसे बहुत दबाव भी आया। सीबीआई ने उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की लेकिन अदालत की दहलीज पर पहुंचने से पहले ही खट्टा सिंह जो है वो हॉस्टाइल हो गया। तो एक बार तो खट्टा सिंह ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन जब साध्वी यौन शोषण मामला जो था
उसके अंदर 25 अगस्त 2017 को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह के खिलाफ वर्डिक्ट आया और उसे सजा सुनाई गई, तो खट्टा सिंह का जो एक डर था वो फिर से निकल गया और उन्होंने दोबारा से ये एप्लीकेशन लगाई कि मैं छत्रपति हत्याकांड और रणजीत सिंह हत्याकांड के अंदर अपनी गवाही दोबारा से दर्ज करवाना चाहता। अदालत ने उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और इन दोनों मामलों के अंदर दोबारा से उनकी गवाही दर्ज करवाई हो सकी। और खट्टा सिंह जी का धन्यवाद कि उन्होंने इस गवाही में एक अहम रोल प्ले किया और हमारे पिता के जो मुख्य साजिश करता था गुरमीत राम रहीम उसको सजा हो पाई, वो बिल्कुल एक अहम रोल है खट्टा सिंह का इसमें। आप बहुत हिम्मत वाले हो, 1.5 घंटे से कंटिन्यू आप बात कर रहे हैं। पानी पीजिए कंटिन्यू। मैं आपके हिम्मत को सलाम करता हूँ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से। और हम अभी लास्ट का क्वेश्चन पूछेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में भी हमारे नेता डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की ऐसी ही हत्या एक उग्रवादी संगठन ने की है, जिनके पास पावर है, सत्ता है, पैसा है और दहशत भी है। ये पावर, पैसा, सत्ता, दहशत और ये धार्मिक संगठन के खिलाफ आप 17 बरस तक लड़ते रहे और इस टाइम आपको पुलिस प्रोटेक्शन थी? पुलिस प्रोटेक्शन की जहां तक बात है तो मैं सबसे पहले तो जैसा पहले भी मैंने जिक्र किया कि पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट का बिल्कुल नज़दीकी नाता रहा हमेशा से डेरा सच्चा सौदा के साथ। वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आई, चौटाला की रही, फिर कांग्रेस की आई, फिर बीजेपी की आई, तो करीब करीब सभी का रवैया एक जैसा ही रहा। सभी ने ही डेरा सच्चा सौदा के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाई और हमारे खिलाफ हमेशा उन्होंने किस तरीके का व्यवहार रखा, तो ये सर्वविदित है, सभी को मालूम है, हमने बिल्कुल झेला भी उस चीज को। तो 2007 तक हमारे पास कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं था, 2002 से लेकर 2007 तक कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं था। 2007 के अंदर जब सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ और 31 जुलाई 2007 को सीबीआई ने जब अपना चार्जशीट फाइल किया तीनों मामलों के अंदर कोर्ट के अंदर, तो सीबीआई डायरेक्टर की तरफ से एक लेटर लिखा गया डीजीपी हरियाणा को और उसके अंदर उन्होंने लिखा कि इन तीनों मामलों से जुड़े जितने भी कंप्लेनेंट और मुख्य गवाह हैं सभी को सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाए। तो सीबीआई डायरेक्टर की चिट्ठी के बाद डीजीपी हरियाणा को ये सिक्योरिटी देनी पड़ी और अल्टीमेटली उसके बाद से 2007 के बाद से हमारे पास पुलिस प्रोटेक्शन है, हमें एक एक गनमैन दिया गया। हम भी आपकी तरह ही महाराष्ट्र में डॉक्टर दाभोलकर की मर्डर केस लड़ रहे हैं, वो रस्ते पर की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें दाभोलकर जी के बेटे डॉक्टर हमीद और मुक्ता वो ज्यादा टाइम देकर हाई कोर्ट में ये सब केस लड़ रहे हैं। तो आप 17 साल हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़े इस दहशत के खिलाफ, इस संगठन के खिलाफ, तो आप हमको क्या संदेश देंगे दाभोलकर मर्डर केस के बारे में? मैं दाभोलकर जी को नमन करता हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं एक चीज और बीच में कहना भूल गया था कि मेरी ऊर्जा, मेरा जज्बा जो है वो आप जैसे लोग हैं जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, जिन्होंने मुझे साथ दिया, वो बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिरसा से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिरसा से बाहर के हैं, जो चंडीगढ़ से हैं, जो दिल्ली से हैं, हरियाणा और पंजाब के अलग अलग इलाकों से ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो मेरे साथ खड़े रहे, मेरा हौसला बढ़ाया,
और जिन्होंने इस इन केसेस के अंदर अलग अलग तरीके से काम किया, वो इस पूरे संघर्ष के अंदर एक अलग अलग टूल के तौर पर जुड़े रहे, कोई वकील के तौर पर, कोई पत्रकार के तौर पर, तो हर एक तरीके से जिन लोगों ने साथ दिया, मैं सबसे पहले उन सभी का धन्यवाद, उनका उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ। मैं उनका कभी भी उनका जो है उनका देना नहीं दे सकता हूँ। जैसा कि हाई कोर्ट के अंदर अश्विनी बख्शी जी, राजेंद्र सिंह चीमा जी, उन्होंने बहुत हेल्प किया, सारा केस जो है उन्होंने लड़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा। और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में राजेंद्र सच्चर जी ने इस केस को लड़ा, और जतिंदर शर्मा जी ने हमारे केस को बाद में एक केस को लड़ा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो सिरसा के अंदर लेखराज ढोट एडवोकेट हैं, सरपंच शिवराम सिंह जी हैं, और जन संघर्ष मंच है हरियाणा के अंदर, बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग है सिरसा के अंदर, जो मतलब व्यक्तिगत तौर पर ना सही लेकिन वैचारिक तौर पर जो जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा जज्बा बढ़ाया, तो वो लोग मेरी ताकत हैं, मेरी कमजोरी नहीं बने, मेरी ताकत बने। तो कई बार मुझे महसूस होता था इन इतनी लंबी संघर्ष में, इतनी लंबी लड़ाई के अंदर, न्यायिक लड़ाई में, क्योंकि बहुत लंबा वक्त निकला जांच के अंदर और ट्रायल के अंदर, तो कई बार आदमी जो है हौसला छोड़ता है, डावाडोल हो जाता है इस सिस्टम के अंदर, अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है। तो कई बार मेरे ऊपर भी इस तरह की कंडीशंस आई, लेकिन मेरे जो साथी थे उन्होंने मुझे बहुत मोरली बूस्ट अप किया और मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे कभी भी कमजोर नहीं होने दिया। मेरे दो निजी साथी जो थे, सरपंच शिवराम सिंह जी और लेखराज ढोक जी, जो कदम दर कदम मेरे साथ चले, हर तारीख पर, हर जगह, हर उसमें प्लानिंग में वो मेरे साथ रहे कि हमने आगे क्या करना है, तो उन दो शख्स ने कभी भी मुझे डोलने नहीं दिया, मेरी ताकत बने, मुझे हर वक्त यही कहा कि कमजोर नहीं होना है, तो जीत हमारी होगी, ऐसा वो उन्होंने लगातार मेरे साथ मुझे वो सुनिश्चित करते रहे। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। मैं कभी भी ये बात मुझे लगता है मैं शब्दों में कह ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे अपनी बातों का इजहार करूं। तो जहां तक बात इतने लंबे संघर्ष की है, तो मुझे लगता है कि जो हमारा सिस्टम है जिसके अंदर रहकर हमने लड़ना है, जिस सिस्टम ने हमें न्याय देना था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे संघर्ष की बात कर रहा हूँ, जिस सिस्टम ने हमें प्रोटेक्ट करना था, जिस सिस्टम ने हमें न्याय देना था, वो सारा का सारा सिस्टम हमारे विरोधियों के साथ खड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए कि हमने जहाँ जाना है, जिनसे मांगना है, वो उनके साथ खड़े हैं, हमारे साथ नहीं है। पुलिस सिस्टम है या स्टेट है या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं लड़ने के लिए एक जज्बा जो था वो ज़रूरी था, वो लगातार बना रहा। और फिर भी एक ये था कि संविधान के अंदर जो मशीनरी है, जो संविधानिक हक हमें मिले हुए हैं, जो लोकतांत्रिक हक हमें मिले हुए, वो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, वो कोई भी पुलिसिया सिस्टम हमसे छीन नहीं सकता, वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमसे छीन नहीं सकता, वो कोई भी जुडिशियल सिस्टम हमसे छीन नहीं सकता। हमारे हक हैं और हम वो लेकर के रहेंगे, और उन्हीं हकों को लेकर हम लड़ते रहे, चाहे लंबा वक्त ज़रूर लगा। ये महसूस ज़रूर होता है कि 17 साल का वक्त जो है ट्रायल फेस करते रहे हम, और ट्रायल कोर्ट से फैसला आया, तो जैसा कि मतलब कई बार कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो जो देरी है वो न्याय नहीं है, एक तरह से पूरा न्याय नहीं। 17 साल की देरी में जो न्याय मिला है वो पूरा न्याय नहीं है। मुझे लगता है कि
जो अंधभक्ति और अंधश्रद्धा की हम बात कर रहे हैं, अगर ये इंसाफ 2002 में हमारे पिता की जब हत्या हुई तभी हुआ होता, तभी गुरमीत सिंह को सलाखों के पीछे डाला होता, तो शायद बहुत से लोगों के साथ ना इंसाफी ना होती, बहुत से लोग इस ना इंसाफी से बच जाते, बहुत से लोग ऐसे थे जो इसकी अंधश्रद्धा से बच जाते। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का फेल्योर है, हमारे सिस्टम की कमजोरी है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो लेकिन जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक हक हमें मिले हुए हैं वो हम हमसे कोई भी नहीं छीन पाएगा, हमें उन्हें यूज करना चाहिए। और दूसरी बात कि इस सिस्टम के अंदर अगर 100 में से 90 लोग करप्ट हैं तो इस मशीनरी के अंदर ही 10 वो लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब हम लड़ रहे हैं तो उन 100 में से 90 लोग अगर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं तो 10 वो लोग हैं जो हमें इंसाफ दिलवाने में हमारी मदद भी करेंगे। ये सोचकर हमें आगे बढ़ना है। देरी जरूर होगी लेकिन 100 में से 10 अगर हमारे साथ खड़े हैं तो हमें बिल्कुल सफलता मिलेगी, इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। अंशुल छत्रपती गेले 2 तास सतत बोलत आहेत, 17 वर्ष त्यांनी ही लढाई लढलेली आहे, 17 वर्षात इतक्या घटना त्यांच्या सोबत घडलेल्या आहेत, इतके संघर्ष आहेत कि ते 2 तासात मांडणं अत्यंत अशक्य गोष्ट आहे, तरीही त्यांनी हा सगळा संघर्ष आपल्या समोर उभा केला। हा सगळा संघर्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खून खटल्याशीही मिळताच जुळताच आहे। अंशुल छत्रपतींनी जे शेवटी जे सांगितलं कि किती जरी मोठी सत्ता असली, किती जरी मोठी दहशत असली, तरी जे संविधानाने आपल्याला हक्क दिले ते हक्क आपले कोणीही हिरवून घेऊ शकत नाही, आणि त्या हक्कासाठी आणि संविधानावर विश्वास ठेवून आपण ही डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकरांच्या खून खटल्यातील लढाई पुढे लढूया। आपण हा सर्वांनी आज हा निश्चय करूया, अंशुल छत्रपतीकडून आपण ही प्रेरणा घेऊया। मला तर असं वाटतंय की अंशुल छत्रपती आणि त्यांचे पिताजी हे रामचंद्र छत्रपती या दोघांना उपमा द्यायची म्हटली तर महाराष्ट्रातले थोर राजे छत्रपती शिवाजी आणि शंभूराजे ही जोडी बापलेकांची जशी धाडसी होती, शूर होती, निडर होती, तशीच ही जोडी आहे। आपण महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीनं त्यांच्या या कामाला सेल्यूट करूया। त्यांनी आज आपल्यासाठी इथं वेळ दिला त्याबद्दल मी त्यांचं मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो। सर्व प्रश्नांची उत्तर मला वाटतंय दिलेली असतील, त्यामुळे चॅट बॉक्स मधले प्रश्न आता घेत नाहीत, 2 तास होत आलेत मुलाखत सुरू होऊन, वेळ पण खूप झालेला आहे। आपण या समारोपाकडे वळूया। मी पुन्हा एकदा अंशुल छत्रपती यांचं मनपूर्वक आभार मानतो, त्यांच्या पिताश्रींना सॅल्यूट करतो, आणि या कार्यक्रमाचं आभाराचं काम मी आमचे तुळजापूरचे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते चंद्रकांत उळेकर सर यांना करण्याची विनंती करतो। उळेकर सर आपण आभाराचं काम करावं आणि त्यामध्ये उद्याच्या कार्यक्रमाची पण माहिती द्यावी। हो यस, तर आज हिंसा के खिलाफ मानवता की ओर माझा आवाज येतो ना सगळ्यांना? हो सर येतोय, छान येतोय, बोला कंटिन्यू। हिंसा के खिलाफ मानवता की ओर या इस विषय पर हरियाणा सिरसा से अंशुल छत्रपति जी इनकी मुलाकात संवादक राहुल थोरात जी ने यहाँ बहुत अच्छी तरीके से ली, और सभी हमारे जो कार्यकर्ता है इस कार्यक्रम में सहभागी हुए, सर्वप्रथम अंशुल छत्रपति जी इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने बहुत हिम्मत के साथ आपने यहां विचार अपने प्रकट किए। धन्यवाद। कार्यक्रम के शुरू में सुनील स्वामी जी इन्होंने एक बहुत अच्छा संत तुकाराम जी का अभंग यहां पेश किया, उसके साथ ही पंजाबी गीत जगसीर जीदा जो फरीदकोट से लोक कलाकार है उन्होंने बहुत अच्छा पंजाबी गीत यहाँ पेश किया, और प्रास्ताविक डॉक्टर हमीद जी दाभोलकर इन्होंने बहुत अच्छे प्रास्ताविक किया। आप सभी का
मैं महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के माध्यम से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अंधविश्वास निर्मूलन समिति इनकी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। कल राज्य संपादक दिव्य मराठी ज्येष्ठ पत्रकार संजय आवटे इनका जाहिर व्याख्यान है। उनका व्याख्यान का विषय है सामाजिक चळवळी आणि समाज माध्यमे। तो आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में जरूर शामिल हो। आज जो कार्यकर्ता ने चैट बॉक्स में अनीस के बारे में जानकारी ली है और अनीस जो काम अनीस में काम करने की इच्छा व्यक्त की है, तो उन्होंने अपने अगर फोन नंबर दिए हैं तो अच्छी बात है। आप अभी भी अपने ये चैट बॉक्स में अपने फोन नंबर इस चैट बॉक्स में डाल दीजिए। एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ हमें महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के माध्यम से सभी को एक अच्छा प्रोग्राम मिला, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जो ज्या कार्यकर्त्यांना महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमध्ये काम करण्याची इच्छा आहे, त्या कार्यकर्त्यांनी आपलं नाव आणि आपला मोबाईल नंबर चॅट बॉक्स मध्ये पाठवा अशी आपणास विनंती आहे। उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कार्यकर्ते जर ह्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होणार असतील तर त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये आपलं नाव आणि मोबाईल नंबर पाठवावा, आम्ही त्या महाराष्ट्रातील खरं तर सर्वच जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांना आवाहन करू इच्छितो आणि त्यांना आम्ही अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कामामध्ये सहभागी करून घेणार आहोत। तेव्हा अंशुलजी छत्रपतीजी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत अच्छी यहाँ मुलाकात यहाँ हमें सुनने को मिला और हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि हम आपके साथ है। आप जो ये अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं इसके साथ हम सभी महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ता है, भारतवासी के सभी कार्यकर्ता आपके साथ है। लड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद चंद्रकांत जी। सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार। दोन तास कार्यक्रम हा चालला होता, आपण सर्वांनी अत्यंत शांतपणे हा ऐकून घेतला। मी अमोलला विनंती करतो की अमोल फेसबुक लाईव्ह आणि युट्यूब लाईव्ह बंद करावं आणि माईक जरा सुरू करावे।